This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. Hello friends. Welcome to our YouTube channel. Friends, video, I will talk about. कुरियाई मूवी के बारे में तो दोस्तों अगर आप सम गर्ल्स मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा सम गर्ल्स की कुरियाई आर आर मिर्सू एक ट्वेंटी दक्षिण कोरियाई एक्शन क्राइम फिल्म जो वान की तरह निर्देशित है किम यून यूं के साथ फिल्म का सा लेखन के फिल्म किम हम जंग आ जो इन सुंग पर जियम में किम जुंग सु और गो मीन सी है सम गर्ल्स को ट्वेंटी सिक्स जुलाई ट्वेंटी थ्री को के रूप से रिलीज किया गया था जब गुचियोन के शांतिपूर्ण समुद्र तटीय शहर में एक रसायनी की संयंत्र का निर्माण किया गया तो हिनेो ने, ने रातों रात अपनी नौकरी खो दी चुन किम वो सुख एक लड़ाकू है जो आजीविका कमाने का रास्ता तलाश रहा है ऐसा कहा जाता है कि समुद्र में फेंकी गई किसी वस्तु को उठाकर आप खूब पैसे कमा सकते हैं वह तस्करी की दुनिया के बारे में जानती है और और हेनेया के नेता ने जिन सुख आ के सामने एक ऑप्शन प्रस्ताव रखती है जिसने यह जानती हुई भी, भी कि यह खतरनाक है जीविका कमाने का साहसिक निर्णय लिए जैसे उसकी मुलाकात राष्ट्रीय तस्करी के राजा सौ कौन जो इन संग से होती है उसे तस्करी से प्यार हो जाता है फिर एक दिन जीवन में एक बार भाग्य बनाने का अवसर आता है मुख्य फोटोग्राफी 5 जून 21 को शुरू हुई फिल्म को आधिकारिक तौर पर 23 थ्री टोटो की इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिटल में विशेष प्रस्तुति अनुभाग में आमंत्रित किया गया था जो लोकुनो की इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिटल के बाद सेवन से वन सेवन सेवेंटी सितंबर से तक आयोजित किया गया था यह फिल्म 26 जुलाई 23 को दक्षिण कोरियाई में रिलीज़ हुई थी उर्धाटा में थ्री वन एट एट फोर प्रवेश दर्ज किए गए और दो सप्ताह तक दक्षिण कोरियाई बॉक्स ऑफिस पर सेंस पर रहा फिल्म ने अपनी रिलीज के चौदह दिन एक मिलियन प्रवेश पर प्रवेश का आंकड़ा पार कर लिया और रिलीज की वन सेवन स्वें दिन पर फोर मिलियन से अधिक हो गई द राउंड ऑफ नो वे आउट के बाद सम्वेंटी थ्री में ब्रेक इवन पाइन तक पहुंचने वाली दूसरी फिल्म बन गई और दू के लिए ही, किम हाई सु के लिए ही दोनों की किम ने अपने करियर की शुरुआत उन्नीस से पचासी में नेस्लो मिलो की नेस्नो मिलो की एक विज्ञापन से की थी उन्होंने फिल्म कॉम्बो उन्नीस सौ छियासी में एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत की जिसके लिए उन्हें ही उन्नीस सेवेंटी के बैक सॉन्ग ऑटर्स अवार्डस में सौतीस नई अभिनेत्री के रूप में पहली बार प्रशंसा मिली वह फर्स्ट लॉ उन्नीस सौ इक्यानवे में सौतीस आग्रनी अभिनेत्री लिए ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार की सबसे कम उम्र की विजेता थी उनकी सबसे व्यासायिक रूप से सफल भूमिका अपराध फिल्म ताज़ा द हाई रोज ट्वेंटी सिक्स में मैडम की थी जिसने साउथ तीस अभिनेता लिए उनका तीसरा ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार भी किम हरीशो का जन्म 5 सितंबर उन्नीस सौ सत्तर को डोगनी जिले की भूसान में हुआ था वह पांच बच्चों में से दूसरे थे जब वह अपने पिता के काम के कारण भूसान नेशनल एलिमेंट्री स्कूल में तीसरी कक्षा में थी तब वह सियोल में लोग एलिमेंट्री स्कूल चली गई प्रथम विद्यालय में रहती हुई वह राष्ट्रीय टाइकोडो बच्चों की प्रदर्शन टीम की सदस्य थी और अप्रैल उन्नीस सौ में अंतर्राष्ट्रीय ओलपिंग की समिति आईओसी के सातवीं अक्षर की जुआन एंटोनियो समझ को गुलदस्ता भेंट करने वाली फूल लड़ती थी उन्हें से पचासी में कीम ने नेस्लो मिलो के विज्ञापन और साथ ही पहले के पॉप संगीत वीडियो जो युग पेल के एम एमपोटी इन द एयर में अभिनय किया उन्नीस सौ छियासी में जब किम हाई स्कूल की प्रथम वर्ष की छात्रा थी तब उन्होंने कॉम्बो से अपनी फिल्म की शुरुआत की उन्होंने तेईसवीं बैक सॉन्ग कला पुरस्कारों में कॉम्बो के लिए सौंतीस नई अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता किम ने टेलीविजन त्रृंगला अपनी छवि के साथ मुन्द्रित पेंसिल ब्रोडो की लोकप्रियता के कारण किम को उन्नीस सौ अस्सी की दश का पेंसिल ब्रोड स्टार कहे जाता है उन्हें उनके समकालीन कीम ही सन और सिम यून हा के साथ अपनी उनकी राष्ट्रवाई परिस के लिए कोरियाई में उन्नीस सौ नब्बे के दश की ट्रिका का हिस्सा भी नमित किया गया उन्नीस सौ इक्यानवे में क्रीम फिल्म फर्स्ट लॉ में मुख्य भूमिका निभाई और आदर्श महसूस लड़की के किरदार के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की सौत्रेश अग्रणी अभिनेत्री के लिए ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार जीता और उन्हें नेशनल के फर्स्ट लॉ का खिताब मिला हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असपरे दो दशकों में उन्होंने प्रमुख और सहायक भूमिका की एक बड़ी फिल्मोग्राफी एक तरह की विशेष रूप से टेलीविजन श्रृंखला डी वी रियली लॉ में बे जून के साथ और आजे वो के साथ रिवेज एंड पैसन साथ ही फिल्म टाई ए युदिबन उन्नीस सौ अन्ठानबे टू सौ की दस में किम ने टेलीविज़न की बजाय फिल्म में अपने करियर पर ध्यान अधिक ध्यान केंद्रित किया जिसमें किक द मून वाई एम सी ए बेसबॉल टीम और थ्री में अभिनय के इस समय उन्होंने हिप्रोटाइल्स की 2004 में एक गैलेमरस और आत्मविश्वास से भारी महिला के रूप में अपनी छवि को फिर से स्थापित किया द रेट सो ट्वेंटी फाइव और टेजा द हाई रोल्स ट्वेंटी सिक्स में किम की भूमिका उनकी सबसे अधिक पहचानी गई और उन्हें कोरियाई फिल्म ए सूची के उच्चतम रैंक में पहुंचा दिए इसके बाद विभिन्न फिल्में मुखियों भूमिकाएं निभाई गई।, गई गई जैसे कि एक गुडे टू हैंड एन अफेयर में एक गृहिणी एक कॉलेज छात्रा के साथ गुप्त रूप से ट्रेडिंग करती थी सिम के परिवार में एक नाखुश चाची एलिवेथ में एक विषया और मॉडर्न बाय 2008 में एक बार गायिका व ट्वेंटी टेन की विलेन और वीडियो में हान के साथ अपने सहयोग को अपने अभिनय करियर के मुख्य ऑक्शन में से एक मानती है ट्वेंटी नौ में किम स्टाइल के साथ टेलीविजन पर लौटी जो फैक्शन उद्योग पर आधारित था इसके बाद उन्होंने ट्वेंटी टेन में मिस्ट्री मेलोड्रामा होम स्वीट होम में काम किया फिल्म पुरस्कार समारोह और टीवी वी विविधा के शो के लिए लगातार मेजबान किम ट्वेंटी वन फाइव में एम बी सी क्रॉन अफेयर शो डब्ल्यू के मेजबान बने किम एक उत्साही वर्ष चित्र प्रशंसा के प्रशंसा को कार्यक्रम के लिए एकदम सही माना गया क्योंकि इसने अपना ध्यान और आदेश स्थानांतरित कर दिया पायरे वर्ण और वैदिक मुक्षियों के लिए डब्ल्यू डबलीवीर किम हाई सो का प्रीमियर जुलाई जुलाई 2010 में हुआ लेकिन अक्टूबर 2010 में 2010 में, 2010 में रश कर दिया क्योंकि किम नेटवर्क के फैसले की आलोचना की, की, की और 22 में वही किंग द यूम के लिए ही यंग जंग आ के लिए ही दोनों की समीक्षकों की यंग जंग आ ने थर्टी दिसंबर 26 को डॉक्टर है ओ एल से शादी की उनकी टू बच्चे हैं और जो इन सुंग के लिए ही दोनों की फिल्म में उन्हें द क्लासी ए डॉटी कॉनिवल ए प्रो, फ्रोजन क्लावर फ्लावर द किंग द ग्रेट बैटल ए एस कैप क्रॉम मोग द में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है उन्होंने रियलिटी शो एन एक्सपेक्टेड बिजनेस की भी मेज़बानी की उनका नाम वर्तमान में आधिकारिक तौर पर जो इन उन्होंने चू एन सुंग और कभी कभी जो इन सुंग के रूप में रोमना रोमनाकृत किया गया जो एनसुंग का जन्म और पालन पोषण गैडोंग जिले सियोल में हुआ था जोनो जूनो की चुनम टैक्नो यूनिवर्सिटी में मॉडलिंग और इवेंट मैनेजमेंट का आगेन किया बाद में उन्होंने डोंगुंग की विद्यालय में थिएटर और फिल्म प्रमुख के रूप में दाखिल किया लेकिन कक्षा में आय उपिष्ट के कारण ट्वेंटी सेवन में उन्हें निष्कासित कर दिया गया जो ने अपने मनोरंजन करियर की शुरुआत उन्हें से अंठानवे में कपड़ों की ब्रांड जी यू जी के लिए मोड जी वो के लिए ही ब्रांड मॉडल के रूप में की थी उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत उन्नीस सौ निन्यानवे में एम बी सी कॉम जॉब के माध्यम से की और ट्वेंटी में किसो नाटक स्कूल थ्री और सीट कॉम नॉन स्टॉप के दूसरे सीजन में अभिनय किया जो ने पहली बार ट्वेंटी वन टेलीविज़न नाटक पियानो में सहायक सहायक भूमिका के साथ ध्यान आकर्षित किया जिसमें गोसू और किम हान ने कलाकार थे इसके बाद उन्हें ट्वेंटी टू में से फॉर द एस्टार में जियोन डो योन के साथ एक अनपढ़ अभिनेता के रूप में उनकी पहली ड्रामा प्रमुख भूमिका के लिए चुना गया उसी वर्ष उन्होंने फिल्म पब्लिक टॉयलेट से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की उन्होंने उस समय के साथ ही सीडू सा ए चक यू कलाकार लोकप्रिय बाय बैड गॉड की कई संगीत वीडियो में भी अभिनय किया और इसका निर्देशन अभिनेता जंग वो सुंग ने किया था ट्वेंटी थ्री में जो ने तीन रोमांटिक फिल्मों में अभिनय किया विशेष रूप से कवाक जे की द क्लासिक सोन ये जिन और चो सेंग वो के साथ ट्वेंटी फोर उन्होंने हाजी वोन और सोजी सब के साथ मेलो ड्रामा हैपनोड इन बाली में टेलीविजन पर वापसी की समथिंग हैपनर एक बड़ी सफलता थी इसका अंतिम एपिसोड उनचालीस थ्री नाइन सेवन की सॉरेज रेटिंग तक पहुंच गया जो उन्हें बागसोंग क्लब पुरस्कार और एस बी एस के ड्रामा पुरस्कार दोनों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता ट्वेंटी फाइव उन्होंने उनकी कम बैक ड्रामा सिप्रंग डे में अभिनय किया, जो जापानी ड्रामा हेवन क्राइन का रीमेक था जो ने अपनी अगली दो फिल्मों पीसन निर्देशन यू हा के साथ शो किए ट्वेंटी सिक्स एट डॉटी जिसमें उन्होंने एक करिश्माई छोटे समय के गैंगस्टर की, की भूमिका निभाई जो एक खुशहाल जीवन चाहते और ट्वेंटी एट एन फ्लावर ए गोरियो की पीरियड जहां उनकी शाही राजा और रानी के बीच प्रेम त्रिकोण में फंस गए सेवन अप्रैल ट्वेंटी नाइन को जो को दो साल की अनिवार्य सैन्य के लिए सूचीबद्ध किया गया कथित तौर पर वह अपने पिता नक से कदम पर चलने के लिए वायुसेना में शामिल होना चाहती थी जो एक गैर कमीशन अधिकारी के रूप में कार्यरत थे उन्होंने वायुसेना और वायुसेना बैंड में 25 महीने सिवा की और 4 मई ट्वेंटी इलेवन में को उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया प्रतिभा एजेंसी की सीडू से चक्कीियों के साथ अपने अनुबंध की सम्प्री पर जो मार्च ट्वेंटी वन टू में आई को आईओ की कंपनी में शामिल हुए ट्वेंटी थ्री में उन्होंने उन्होंने मेहलू ड्रामा दैट विंटर ऑफ विडोज में संग हो क्यू के साथ साथ अभिनय किया जो जापानी नाटक तो फॉरगेट लॉ जो कि रिमे नत्सु नाटक अपने अधिकांश समय के दौरान अपने टाइम लॉट में नंबर एक स्थान पर आ और जो और सन को उनकी प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली एक साल बाद जो एस बी एस की मेडिकल मेलोड्रामा इटस ओ के डैट लॉस में गोंग हो जीन के साथ डैट विंटर के टेली टेली प्ले लेखक और निर्देशन के साथ फिर से जुड़ गया जो ने डिसांग ग्रैंड पुरस्कार जीता जो एपीए ने स्टार आवर्स टेलीविजन का शौर्य में जो को जोई जीव के साथ राष्ट्रीय कर सेवा की राजदूत के रूप में चुना गया था ट्वेंटी सेवन में जो ने क्राइम थ्रिलर द किंग में जंग भूंग के साथ अभिनय किया जिसका निर्देशन द तो फेय रीडर के निर्देशन हान जे रीम ने किया था ट्वेंटी में उन्होंने ऐतिहासिक फिल्म गार्ड बैटल में अभिनय किया 21 में जो ने सी मॉडल के लिए सौतीस तो पुरुष नौ सीखिया का खिताब अर्जित किया ट्वेंटी टू में जो को पुरुष मशहूर हस्तियों में वह सेलिब्रिटी जिसके इस साल सी एफ में सबसे अधिक दिखाई देने की संभावना के रूप में प्रथम स्थान दिया ट्वेंटी फोर को उन्होंने कहा हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुरियाई मूवी के बारे में तो दोस्तों अगर आप सम गर्ल्स मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी भूलिएगा ना सम गर्ल्स की कुरियाई आर आर मिल्सू एक ट्वेंटी दक्षिण कोरियाई एक्शन क्राइम फिल्म है। जो रयू संग की तरह निर्देशित है किम यून के साथ फिल्म का लेखन किया फिल्म हामी। किम हम जंग आ जो इन सुंग पर जियम मीन किम जोंग सु और गो मीन सी है सम गर्ल्स को ट्वेंटी सिक्स जुलाई ट्वेंटी थ्री को के रूप से रिलीज किया गया था जब गुचियोन के शांतिपूर्ण समुद्र तटीय शहर में एक रसायनी की संयंत्र का निर्माण किया गया तो ने, ने रातों रात अपनी नौकरी खो दी चुन किम वो सूक एक लड़ाकू है जो आजीविका कमाने का रास्ता तलाश रहा है ऐसा कहा जाता है कि समुद्र में फेंकी गई किसी वस्तु को उठाकर आप खूब पैसे कमा सकते हैं वह तस्करी की दुनिया के बारे में जानती है और और हेनेया के नेता ने जिन सुख आ के सामने एक ऑप्शन प्रस्ताव रखती है जिसने यह जानती हुई भी, भी कि यह खतरनाक है जीविका कमाने का साहसिक निर्णय लिया जैसे उसकी मुलाकात राष्ट्रीय तस्करी के राजा सौ कौन जो इन सों से होती है उसे तस्करी से प्यार हो जाता है फिर एक दिन जीवन में एक बार भाग्य बनाने का अवसर आता है मुख्य फोटोग्राफी 5 जून 21 को शुरू हुई फिल्म को आधिकारिक तौर पर 23 थ्री टो की इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिटल में विशेष प्रस्तुति अनुभाग में आमंत्रित किया गया था जो लोकनों की इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिटल के बाद सेवन से वन सेवन सेवेंटी सितंबर से तक आयोजित किया गया था यह फिल्म ट्वेंटी सिक्स जुलाई ट्वेंटी थ्री को दक्षिण कोरियाई में रिलीज हुई थी उर्धाटा में थ्री वन एट एट फोर प्रवेश दर्ज किए गए और दो सप्ताह तक दक्षिण कोरियाई बॉक्स ऑफिस पर सेंस पर रहा फिल्म ने अपनी रिलीज के चौदह दिन एक मिलियन प्रवेश पर प्रवेश का आंकड़ा पार कर लिया और रिलीज की वन सेवन सेवेंटी वे दिन पर फोर मिलियन से अधिक हो गई द राउंड ऑफ नोवे वे आउट के बाद सम्वेंटी थ्री में ब्रेक इवन पाइन तक पहुंचने वाली दूसरी फिल्म बन गई और दू के लिए ही, किम हाई सू के लिए ही दोनों की किम ने अपने करियर की शुरुआत उन्नीस से पचासी में नेस्लो मिलो की नेस्नो ने मिलो की एक विज्ञापन से की थी उन्होंने फिल्म कॉम्बो उन्नीस सौ छियासी में एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत की जिसके लिए उन्हें ही उन्नीस सेवेंटी के बैक सॉन्ग ऑटर्स अवार्डस में सौतीस नई अभिनेत्री के रूप में पहली बार प्रशंसा मिली वह फर्स्ट लॉ उन्नीस सौ इक्यानवे में सौतीस अग्रणी अभिनेत्री लिए ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार की सबसे कम उम्र की विजेता थी उनकी सबसे व्यासायिक रूप से सफल भूमिका अपराध फिल्म ताज़ा द हाई रोज ट्वेंटी सिक्स में मैडम जिये जिसने साउथ तीर्ष अभिनेता उनका तीसरा ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार भी किम हय का जन्म 5 सितंबर उन्नीस सौ सत्तर को डोगनी जिले की भूसान में हुआ था वह पांच बच्चों में से दूसरे थे जब वह अपने पिता के काम के कारण भूसान नेशनल एलिमेंट्री स्कूल में तीसरी कक्षा में थी तब वह सियोल में लोग एलिमेंट्री स्कूल चली गई प्राथमिक विद्यालय में रहती हुई वह राष्ट्रीय टाइकोड़ो बच्चों की प्रदर्शन टीम की सदस्य थी और अप्रैल उन्नीस सौ में अंतर्राष्ट्रीय की समिति आई के सातवें अध्यक्ष की जुआन एंटोनियो समझ को गुलदस्ता भेंट करने वाली फूल लड़ती थी उन्हें से पचास में कीम ने नेस्लो मिलो के विज्ञापन और साथ ही पहले के पॉप संगीत वीडियो जो युंग पेल के सेंसगीत एमपटी इन द एयर में अभिनय किया उन्नीस सौ छियासी में जब किम हाई स्कूल की प्रथम वर्ष की छात्रा थी तब उन्होंने कॉम्बो से अपनी फिल्म की शुरुआत की उन्होंने तेईसवीं बैक सॉन्ग कला पुरस्कारों में कॉम्बो के लिए सौंतीस नई अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता किम ने टेलीविजन की अपनी छवि के साथ मुंद्रित पेंसिल ब्रोडो की लोकप्रियता के कारण किम को उन्नीस सौ अस्सी का पेंसिल ब्रॉड स्टार कहे जाता है उन्हें उनकी समकालीन किम ही सन और सिम यून हा के साथ अपनी उनकी राष्ट्रवाई परिषद के लिए कोरियाई में उन्नीस सौ नब्बे की दश की ट्रिका का हिस्सा भी नामित किया गया उन्नीस सौ इक्यानवे में क्रियम फिल्म फर्स्ट लॉ में मुख्य भूमिका निभाई और आदर्श महसूस लड़की के किरदार के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की सौत्रस अग्रणी अभिनेत्री के लिए ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार जीता और उन्हें नेशनल्स के फर्स्ट लोगों किताब मिला हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असपरे दो दशकों में उन्होंने प्रमुख और सहायक भूमिका की एक बड़ी फिल्मोग्राफी एक तरह की विशेष रूप से टेलीविजन श्रृंखला डीड वी रियली लॉ में बेयुंग जून के साथ और अजय के साथ रिवेज एंड पैसन साथ ही फिल्म टाई ए यूरोन उन्नीस सौ अंठानवे टू सौ में किम ने टेलीविज़न की बजाय फिल्म में अपने करियर पर ध्यान अधिक ध्यान केंद्रित किया जिसमें किक द मून वाई एम सी ए बेसबॉल टीम और थ्री में अभिनय के इस समय उन्होंने हिप्रोटाइल्स की 2004 में एक गैलेमरस और आत्मविश्वास से भारी महिला के रूप में अपनी छवि को फिर से स्थापित किया द रेड सो ट्वेंटी फाइव और टेजा द हाई रोल्स ट्वेंटी तो में गम की भूमिका उनकी सबसे अधिक पहचानी गई और उन्हें कोरियाई फिल्म उ सूची के उच्चतम रैंक में पहुंचा दिए इसके बाद विभिन्न फिल्में मुखियों भूमिकाएं निभाई गई गई जैसे कि एक गुडे टू हैंड एन अफेयर में एक गृहिणी एक कॉलेज छात्रा के साथ गुप्त रूप से ट्रेडिंग करती थी सिम के परिवार में एक नाखुश चाची एलिवेथ में एक विषया और मॉडर्न बाय 2008 में एक बार गायिका व ट्वेंटी टेन की विलेन और वीडियो में हान के साथ अपने सहयोग को अपने अभिनय करियर के मुख्य ऑक्शन में से एक मानती है ट्वेंटी नौ में किम स्टाइल के साथ टेलीविजन पर लौटी जो फैक्शन उद्योग पर आधारित था इसके बाद उन्होंने ट्वेंटी टेन में मिस्ट्री मेलोड्रामा होम स्वीट होम में काम किया फिल्म पुरस्कार समारोह और टीवी वी विविधा के शो के लिए लगातार मेजबान किम ट्वेंटी वन फाइव में एम बी सी क्रॉन अफेयर शो डब्ल्यू के मेज़बान बने किम एक उत्साही बुर चित्र प्रशंसा के कार्य प्रशंसा को कार्यक्रम के लिए एकदम सही माना गया क्योंकि इसने अपना ध्यान और आदेश स्थानांतरित कर दिया पायरे वरण और वैतृक मुख्यों के लिए डब्ल्यू वीर किम हाई सो का प्रीमियर जुलाई जुलाई 2010 में हुआ लेकिन अक्टूबर 2010 में 2010 में, 2010 में रश कर दिया क्योंकि किम नेटवर्क के फैसले की आलोचना की, की, की और 22 में वही किंग द यूम के लिए ही यंग जंग आ के लिए ही दोनों की समीक्षा की यंग जंग आ ने 30 दिसंबर 26 को डॉक्टर है ओ एल से शादी की उनकी टू बच्चे हैं और जो इन सुंग के लिए ही दोनों की फिल्म में उन्हें द दी ए डॉटी कॉर्निवल ए प्रो, फ्रोजन क्लावर फ्लावर द किंग द ग्रेट बैटल ए एस कैप क्रॉम मोग द में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है उन्होंने रियलिटी शो एन एक्सपेक्टेड बिजनेस की भी मेज़बानी की उनका नाम वर्तमान में आधिकारिक तौर पर जो इन उन्होंने चू इन सुंग और कभी कभी जो इन सुंग के रूप में रोमना क्रूत किया गया जो एन सुंग का जन्म और पालन पोषण गैडोंग जिले सियोल में हुआ था जोनो जूनो की चुनम टैक्नो यूनिवर्सिटी में मॉडलिंग और इवेंट मैनेजमेंट का आध्न किया बाद में उन्होंने डोंगुंग की विद्यालय में थिएटर और फिल्म प्रमुख के रूप में दाखिल किया लेकिन कक्षा में अपराध रहा प्रदेश के कारण ट्वेंटी सेवन में उन्हें निष्कासित कर दिया गया जो ने अपने मनोरंजन करियर की शुरुआत उन्नीस से अंठानवे में कपड़ों की ब्रांड जी के लिए मो जी वो के लिए ही ब्रांड मॉडल के रूप में की थी उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत उन्नीस सौ निन्यानवे में एम बी सी कॉम जॉब के माध्यम से की और ट्वेंटी में किसो नाटक स्कूल थ्री और सीट कॉम नॉन स्टॉप की दूसरे सीजन में अभिनय किया जो ने पहली बार ट्वेंटी वन की टेलीविज़न नाटक पियानो में सहायक सहायक भूमिका के साथ ध्यान आकर्षित किया जिसमें गोसू और किम हान ने कलाकार थे इसके बाद उन्हें ट्वेंटी टू में स्ट्री फूड फॉर द एस्टार में जियोन डो योन के साथ एक अनपढ़ अभिनेता के रूप में उनकी पहले ड्रामा प्रमुख भूमिका के लिए चुना गया उसी वर्ष उन्होंने फिल्म पब्लिक टॉयलेट से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की उन्होंने उस समय के साथ ही डू सा एग यू कलाकार लोकप्रिय बाय बैड की कई संगीत वीडियो में भी अभिनय किया और इसका निर्देशन अभिनेता जंग वो सुंग ने किया था ट्वेंटी थ्री में जो ने तीन रोमांटिक फिल्मों में अभिनय किया विशेष रूप से कवाक जे यूंग द क्लासिक सोन ये जिन और चो सैंग वो के साथ ट्वेंटी फोर उन्होंने हाजी बोन और सोजी सब के साथ मेलो ड्रामा शर्मथी इन बाली में टेलीविजन पर वापसी की समथिंग हैपनर एक बड़ी सफलता थी इसका अंतिम एपिसोड उनचालीस से थ्री नाइन सेवन की सॉरी रेटिंग तक पहुंच गया जो उन्हें बागसोंग क्लब पुरस्कार और एस बी एस के ड्रामा पुरस्कार दोनों में अभिनेता का जीता। ट्वेंटी फाइव उन्होंने जंग के साथ, उनकी कम ड्रामा सिप्रंग डे में अभिनय किया जो जापानी ड्रामा हेवंस क्राइन का रीमेक था जो ने अपनी अगली दो फिल्मों पीसन निर्देशन यू हा के साथ शो किए ट्वेंटी सिक्स ए डॉटी कॉर्निव जिसमें उन्होंने एक करिश्माई छोटे समय के गैंगस्टर की, की भूमिका निभाई जो एक खुशहाल जीवन चाहते और ट्वेंटी एट ए फ्रोजन फ्लावर ए गोरियो की पीरियड जहां उनकी शाही अंगरक्षक चतित राजा और रानी के बीच प्रेम त्रिकोण में फंस गए सेवन अप्रैल ट्वेंटी नाइन को जो को दो साल की अनिवार्य सैन्य के लिए सूचीबद्ध किया गया कथित तौर पर वह अपने पिता नक से कदम पर चलने के लिए वायुसेना में शामिल होना चाहती थी जो एक गैर कमीशन अधिकारी के रूप में कार्यरत थे उन्होंने वायुसेना और वायुसेना बैंड में 25 महीने सेवा की और फोर मई ट्वेंटी इलेवन को उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया प्रतिभा एजेंसी की सीडोल से चक्कीियों के साथ अपने अनुबंध की सम्प्री पर जो मार्च ट्वेंटी वन टू में आई को आईओ की कंपनी में शामिल हुए ट्वेंटी थ्री में उन्होंने उन्होंने मेहलू ड्रामा दैट विंटर डॉ विडोज में संग हो क्यू के साथ अभिनय किया जो जापानी नाटक फॉरगेट लव जो कि रिमे के नत्सु, नाटक अपने अधिकांश समय के दौरान अपने टाइम स्लॉट में नंबर एक स्थान पर आ और जो और सन को उनकी प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली एक साल बाद जो एस बी एस की मेडिकल मेलोड्रामा इटस ओ के डैट लॉस में गोंग हो जीन के साथ डैट विंटर के टेली टेली प्ले लेखक और निर्देशन के साथ फिर से जुड़ गया जो ने डिसांग ग्रैंड पुरस्कार जीता जो एपीए ने स्टार आवर्स में टेलीविजन का शौर्य सम्मान है ट्वेंटी जो को जोई जीवू के साथ राष्ट्रीय कर सेवा की राजदूत के रूप में चुना गया था ट्वेंटी सेवन में जो ने क्राइम थ्रिलर द किंग में जंग भूंग के साथ अभिनय किया जिसका निर्देशन द फेर्स रीडर के निर्देशन हान जे रीम ने किया था ट्वेंटी में उन्होंने ऐतिहासिक फिल्म द बैटल में अभिनय किया 21 में जो ने सी एफ मॉडल के ली सौतीस पुरुष नौ सीखिया का खिताब अर्जित किया ट्वेंटी टू में जो को पुरुष मशहूर हस्तियों में वह सेलिब्रिटी जिसके इस साल सीफ में सबसे अधिक दिखाई देने की संभावना के रूप में प्रथम स्थान दिया ट्वेंटी फोर को उन्होंने कहा हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुरियाई मूवी के बारे में तो दोस्तों अगर आप सम गर्ल्स मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा सम गर्ल्स की कुरियाई आर आर मेसू एक ट्वेंटी दक्षिण कोरियाई एक्शन क्राइम फिल्म जो रयू की तरह निर्देशित है किम जियन यूं के साथ फिल्म का सा लेखन किया फिल्म किम हय किम जंग आ जो इन सुंग पर जियम किम जोंग सु और गो मीन सी हैं सम गर्ल्स को ट्वेंटी सिक्स जुलाई ट्वेंटी थ्री को के रूप से रिलीज किया गया था जब गुचियोन के शांतिपूर्ण समुद्र तटीय शहर में एक रसायनी की संयंत्र का निर्माण किया गया तो ने, ने रातों रात अपनी नौकरी खो दी चुन किम वो सूक एक लड़ाकू है जो आजीविका कमाने का रास्ता तलाश रहा है ऐसा कहा जाता है कि समुद्र में फेंकी गई किसी वस्तु को उठाकर आप खूब पैसे कमा सकते हैं वह तस्करी की दुनिया के बारे में जानती है और और हेनेया के नेता ने जिन सुख आ के सामने एक ऑप्शन प्रस्ताव रखती है जिसने यह जानती हुई भी, भी कि यह खतरनाक है जीविका कमाने का साहसिक निर्णय लिया जैसे उसकी मुलाकात राष्ट्रीय तस्करी के राजा सौ कौन जो इन सोंग से होती है उसे तस्करी से प्यार हो जाता है फिर एक दिन जीवन में एक बार भाग्य बनाने का अवसर आता है मुख्य फोटोग्राफी 5 जून 21 को शुरू हुई फिल्म को के तौर पर 23 थ्री की इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिटल में विशेष प्रस्तुति अनुभाग में आमंत्रित किया गया था जो लोकनों की इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिटल के बाद सेवन से वन सेवन सेवेंटी सितंबर से तक आयोजित किया गया था यह फिल्म ट्वेंटी सिक्स जुलाई ट्वेंटी थ्री को दक्षिण कोरियाई में रिलीज़ हुई थी उर्धाटन में थ्री वन एट एट फोर प्रवेश दर्ज किए गए और दो सप्ताह तक दक्षिण कोरियाई बॉक्स ऑफिस पर सेंस पर रहा फिल्म ने अपनी रिलीज के चौदह दिन एक मिलियन प्रवेश पर प्रवेश का आंकड़ा पार कर लिया और रिलीज की वन सेवन स्वेंट सेवेंटी वे दिन पर फोर मिलियन से अधिक हो गई द राउंड ऑफ नो वे आउट के बाद सम्लस ट्वेंटी थ्री में ब्रेक इवन पाइन तक पहुंचने वाली दूसरी फिल्म बन गई और दू के लिए ही किम हाई सू के लिए ही दोनों की किम ने अपने करियर की शुरुआत उन्नीस से पचासी में नेस्लो मिलो की नेशनो मिलो की एक विज्ञापन से की थी उन्होंने फिल्म कॉम्बो उन्नीस सौ छियासी में एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत की जिसके लिए उन्हें ही उन्नीस सेवेंटी की बैक सॉन्ग ऑटर्स अवार्डस में सौतीस नई अभिनेत्री के रूप में पहली बार प्रशंसा मिली वह फर्स्ट लॉ उन्नीस सौ इक्यानवे में सौ तेईस अग्रणी अभिनेत्री के लिए ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार की सबसे कम उम्र की विजेता थी उनकी सबसे व्यासायिक रूप से सफल भूमिका अपराध फिल्म ताज़ा द हाई रोज ट्वेंटी सिक्स में मैडम जिये थी जिसने साउथ तीर्ष अभिनेता उनका तीसरा ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार भी किम हये का जन्म 5 सितंबर उन्नीस सौ सत्तर को डोगनी जिले की भूसान में हुआ था वह पांच बच्चों में से दूसरे थे जब वह अपने पिता के काम के कारण भूसान नेशनल एलिमेंट्री स्कूल में तीसरी कक्षा में थी तब वह सियोल मिल एलिमेंट्री स्कूल चली गई प्राथमिक विद्यालय में रहती हुई वह राष्ट्रीय टैकोड़ो बच्चों की प्रदर्शन टीम की सदस्य थी और अप्रैल उन्नीस सौ में अंतर्राष्ट्रीय ओलपिंग समिति आई के सातवें अक्षर की जुआन एंटोनियो समझ को गुलदस्ता भेंट करने वाली फूल लड़ती थी उन्हें से पचास में कीम ने नेस्लो मिलो के विज्ञापन और साथ ही पहले के पॉप संगीत वीडियो जो युंग पेल के एम एमपोटी इन द एयर में अभिनय किया उन्नीस सौ छियासी में जब किम हाई स्कूल की प्रथम वर्ष की छात्रा थी तब उन्होंने कॉम्बो से अपनी फिल्म की शुरुआत की उन्होंने तेईसवीं बैग सॉन्ग कला पुरस्कारों में कॉम्बो के लिए सौतीस नई अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता किम ने टेलीविजन त्रृंगला समोंगें अपनी छवि के साथ मुन्द्रित पेंसिल ब्रोडो की लोकप्रियता के कारण किम को उन्नीस सौ अस्सी का पेंसिल ब्रॉड स्टार कहे जाता है उन्हें उनकी समकालीन कीम ही सन और सिम यून हा के साथ अपनी उनकी राष्ट्रवाई परिसरी के लिए कोरियाई में उन्नीस सौ नब्बे के दह की, की ट्रिका का हिस्सा भी नमित किया गया उन्नीस सौ इक्यानवे में क्रीम फिल्म फर्स्ट लॉ में मुख्य भूमिका निभाई और आदर्श महसूस लड़की के किरदार के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की सौत्रस अग्रणी अभिनेत्री के लिए ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार जीता और उन्हें नेशनल के फर्स्ट लोगों का खिताब मिला हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असपरे दो दशकों में उन्होंने प्रमुख और सहायक भूमिका की एक बड़ी फिल्मोग्राफी एक तरह की विशेष रूप से टेलीविजन त्रृंखला डी वी रियली लॉ में बे युंग साथ। आजीवो के साथ और आजे वो के साथ रिवेज एंड पैशन साथ ही फिल्म टाई ए युदिबन उन्नीस सी अन्ठानबे टू सौ की में किम ने टेलीविज़न की बजाय फिल्म में अपने करियर पर ध्यान अधिक ध्यान केंद्रित किया जिसमें किक द मून वाई एम सी ए बेसबॉल टीम और थ्री में अभिनय के इस समय उन्होंने हिप्रोटाइल्स की 2004 में एक गैलेमरस और आत्मविश्वास से भारी महिला के रूप में अपनी छवि को फिर से स्थापित किया द रेड सो ट्वेंटी फाइव और टेजा द हाई रोल्स ट्वेंटी तो सिक्स में कीम की भूमिका उनकी सबसे अधिक पहचानी गई और उन्हें कोरियाई फिल्म उर्दू ए सूची के उच्चतम रैंक में पहुंचा दी इसके बाद विभिन्न फिल्में मुखियों भूमिकाएं निभाई गई।, गई गई जैसे कि एक गुडे टू हैंड एंड अफेयर में एक गृहिणी एक कॉलेज छात्रा के साथ गुप्त रूप से ट्रेडिंग करती थी सिम के परिवार में एक नाखुश चाची मॉम में एक विषया और मॉडर्न बाय 2008 में एक बार गायिका व ट्वेंटी टेन की विलेन और वीडियो में हांसु के साथ अपने सहयोग को अपने अभिनय करियर के मुख्य ऑक्शन में से एक मानती है ट्वेंटी नौ में किम स्टाइल के साथ टेलीविजन पर लौटी जो फैक्सन उद्योग पर आधारित था इसके बाद उन्होंने ट्वेंटी टेन में मिस्ट्री मेलोड्रामा होम स्वीट होम में काम किया फिल्म पुरस्कार समारोह और टीवी वी विविधा के शो के लिए लगातार मेजबान किम ट्वेंटी वन फाइव में एम बी सी क्रॉन अफेयर शो डब्ल्यू के मेज़बान बने किम एक उत्साही बुर्ज चित्र प्रशंसक के कार्य प्रशंसक को कार्यक्रम के लिए एकदम सही माना गया क्योंकि इसने अपना ध्यान और आदि स्थानांतरित कर दिया पायरे वरण और वैतिक मुख्यों के लिए डब्ल्यू वीर किम हाई शो का प्रीमियर जुलाई जुलाई 2010 में हुआ लेकिन अक्टूबर 2010 में 2010 में, 2010 में रज कर दिया क्योंकि किम नेटवर्क के फैसले की आलोचना की, की, की और 22 में वही किंग द यूम के लिए ही यंग जंग आ के लिए ही दोनों की समीक्षा की यंग जंग आ ने थर्टी दिसंबर 26 को डॉक्टर है ओ एल से शादी की उनकी टू बच्चे हैं और जो इन सुंग के लिए ही दोनों की फिल्म में उन्हें द दी ए डॉल्टी कॉर्निवल ए प्रोफ्रोजन क्लावर फ्लावर द किंग द ग्रेट बैटल ए एस कैप क्रॉम मोग द में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है उन्होंने रियलिटी शो एन एक्सपेक्टेड बिजनेस की भी मेज़बानी की उनका नाम वर्तमान में आधिकारिक तौर पर जो इन उन्होंने जो एन सुंग और कभी कभी जो इन सुंग के रूप में रोमना क्रूत किया गया जो एन सुंग का जन्म और पालन पोषण गैडोंग जिले सियोल में हुआ था जोनो जूनो की चुनम टैक्नो यूनिवर्सिटी में मॉडलिंग और इवेंट मैनेजमेंट का आध्न किया बाद में उन्होंने डोंगुंग की विद्यालय में थिएटर और फिल्म प्रमुख के रूप में दाखिल किया लेकिन कक्षा में आय उसे के कारण ट्वेंटी सेवन में उन्हें निष्कासित कर दिया गया जो ने अपने मनोरंजन करियर की शुरुआत उन्हें से अंठानवे में कपड़ों की ब्रांड जी यू जी के लिए मोड जी ओ जियो के लिए ही ब्रांड मॉडल के रूप में की थी उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत उन्नीस सौ निन्यानवे में एम बी सी कॉम जॉब के माध्यम से की और ट्वेंटी में किशोर नाटक स्कूल थ्री और सीट कॉम नॉन स्टॉप की दूसरे सीजन में अभिनय किया जो ने पहली बार ट्वेंटी वन की टेलीविज़न नाटक पियानो में सहायक सहायक भूमिका के साथ ध्यान आकर्षित किया जिसमें गोसू और किम हान हानुल कलाकार थे इसके बाद उन्हें ट्वेंटी टू में से फॉर द एस्टार में जियोन डो योन के साथ एक अनपढ़ अभिनेता के रूप में उनकी पहले ड्रामा प्रमुख भूमिका के लिए चुना गया उसी वर्ष उन्होंने फिल्म पब्लिक टॉयलेट से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की उन्होंने उस समय के साथ ही सीडू सा ए जक यू कलाकार लोकप्रिय बाय बैड गोड की कई संगीत वीडियो में भी अभिनय किया और इसका निर्देशन अभिनेता जंग वो सुंग ने किया था ट्वेंटी थ्री में जो ने तीन रोमांटिक फिल्मों में अभिनय किया विशेष रूप से कवाक जे यूंग द क्लासिक सोन ये जिन और चो सैंग वो के साथ ट्वेंटी फोर उन्होंने हाजी बोन और सोजी सब के साथ मेलो इन बाली में टेलीविजन पर वापसी की समथिंग हैपनोड एक बड़ी सफलता थी इसका अंतिम एपिसोड उनचालीस से थ्री नाइन सेवन की सॉरेच रेटिंग तक पहुंच गया जो उन्हें बागसोंग क्लब पुरस्कार और एस बी एस के ड्रामा पुरस्कार दोनों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता ट्वेंटी फाइव उन्होंने गोहून जंग के साथ उनकी कम ड्रामा सिप्रंग डे में अभिनय किया जो जापानी ड्रामा हेवंस क्राइम का रीमेक था जो ने अपनी अगली दो फिल्मों पीसन निर्देशन यू हा के साथ शो किए ट्वेंटी सिक्स ए डॉटी कॉर्निवर्स जिसमें उन्होंने एक करिश्माई छोटे समय के गैंगस्टर की, की भूमिका निभाई जो एक खुशहाल जीवन चाहते है। और ट्वेंटी एट एन फ्लावर ए गोरियो की पीरियड जहां उनकी शाही अंगरक्षक चतित राजा और रानी के बीच प्रेम त्रिकोण में फंस गए सेवन अप्रैल ट्वेंटी नाइन को जो को दो साल की अनिवार्य सैन्य सेवा के लिए सूचीबद्ध किया गया कथित तौर पर वह अपने पिता नक से कदम पर चलने के लिए वायुसेना में शामिल होना चाहती थी जो एक गैर कमीशन अधिकारी के रूप में कार्यरत थे उन्होंने वायुसेना और वायुसेना बैंड में 25 महीने सिवा की और 4 मई ट्वेंटी इलेवन में को उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया प्रतिभा एजेंसी की सीडू से चक्कीियों के साथ अपने अनुबंध की संप्रीत पर जो मार्च ट्वेंटी वन टू में आईओ आई की कंपनी में शामिल हुए ट्वेंटी थ्री में उन्होंने उन्होंने मेलू ड्रामा दैट विंटर डॉ विडोज में क्यू के साथ साथ सभिनय किया जो जापानी नाटक तो फॉरगेट लव ए न ईरानी यो की रिमे नत्सु नाटक अपने अधिकांश समय के दौरान अपने टाइम स्लॉट में नंबर एक स्थान पर और जो और सन को उनकी प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली एक साल बाद जो एस बी एस की मेडिकल मेलोड्रामा इटस ओ के लॉस में गोंग हो जीन के साथ डैट विंटर के टेली टेली प्ले लेखक और निर्देशन के साथ फिर से जुड़ गया जो ने डिसांग ग्रैंड पुरस्कार जीता जो ए पी -ए ने स्टार आवर्स में टेलीविजन का शौर्य सम्मान है ट्वेंटी सुरे में जो को जोई जीव के साथ राष्ट्रीय कर सेवा की राजदूत के रूप में चुना गया था ट्वेंटी सेवन में जो ने क्राइम थ्रिलर द किंग में जंग भूंग के साथ अभिनय किया जिसका निर्देशन द फेय रीडर के निर्देशन हान जे रीम ने किया था ट्वेंटी में उन्होंने ऐतिहासिक फिल्म गाइड बैटल में अभिनय किया 2021 में जो सी एफ मॉडल के ली सौतीस तो पुरुष नौ सीखिया का खिताब अर्जित किया ट्वेंटी टू में जो को पुरुष मशहूर हस्तियों में वह सेलिब्रिटी जिसके इस साल में सबसे अधिक दिखाई देने की संभावना के रूप में प्रथम स्थान दिया ट्वेंटी फोर को उन्होंने कहा हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुरियाई मूवी के बारे में तो दोस्तों अगर आप सम गर्ल्स मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहती हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा सम गर्ल्स की कुरियाई आर आर मिल्सू एक ट्वेंटी दक्षिण कोरियाई एक्शन क्राइम फिल्म जो रयू सुंग की तरह निर्देशित है किम जियन के साथ फिल्म का लेखन किया फिल्म किम हय किम सुम जंग आ जो इन सुंग पर्ग जुग किम जूंग सु और गो मीन सी हैं सम गर्ल्स को ट्वेंटी सिक्स जुलाई ट्वेंटी थ्री को के रूप से रिलीज किया गया था जब गुचियोन के शांतिपूर्ण समुद्र तटीय शहर में एक रसायनी की संयंत्र का निर्माण किया गया तो ने, ने रातों रात अपनी नौकरी खो दी चुन किम वो सुख एक लड़ाकू है जो आजीविका कमाने का रास्ता तलाश रहा है ऐसा कहा जाता है कि समुद्र में फेंकी गई किसी वस्तु को उठाकर आप खूब पैसे कमा सकते हैं वह तस्करी की दुनिया के बारे में जानती है और और हेनेया के नेता ने जिन सुख यम जंग के सामने एक ऑप्शन प्रस्ताव रखती है जिसने यह जानती हुई भी, भी कि यह खतरनाक है जीविका कमाने का साहसिक निर्णय लिया जैसे उसकी मुलाकात राष्ट्रीय तस्करी के राजा सौ कुंजू जो इन सुंग से होती है उसे तस्करी से प्यार हो जाता है फिर एक दिन जीवन में एक बार भाग्य बनाने का अवसर आता है मुख्य फोटोग्राफी 5 जून 21 को शुरू हुई फिल्म को के तौर पर 23 थ्री की इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिटल में विशेष प्रस्तुति अनुभाग में आमंत्रित किया गया था जो लोकनों की इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिटल के बाद से सेवन से वन सेवन सितंबर तक आयोजित किया गया था यह फिल्म ट्वेंटी सिक्स जुलाई ट्वेंटी थ्री को दर्शन कोरियाई में रिलीज हुई थी उर्धाटन में थ्री वन एट एट फोर प्रवेश दर्ज किए गए और दो सप्ताह तक दर्शन कोरियाई बॉक्स ऑफिस पर सेंस पर रहा फिल्म ने अपनी रिलीज के चौदह दिन एक मिलियन प्रवेश पर प्रवेश का आंकड़ा पार कर लिया और रिलीज की वन सेवन स्वेंट सेवेंटी वे दिन पर फोर मिलियन से अधिक हो गई द राउंड ऑफ नौ वे आउट के बाद सम्लस ट्वेंटी थ्री में ब्रेक इवन पाइन तक पहुंचने वाली दूसरी फिल्म बन गई और दंजु के लिए ही किम हाई सू के लिए ही दोनों की किम ने अपने करियर की शुरुआत उन्नीस से पचासी में नेस्लो मिलो की नेशनो ने मिलो की एक विज्ञापन से की थी उन्होंने फिल्म कॉम्बो उन्नीस सौ छियासी में एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत की जिसके लिए उन्हें ही उन्नीस सेवेंटी की बैक सॉन्ग ऑटर्स में सौतीस नई अभिनेत्री के रूप में पहली बार प्रशंसा मिली वह फर्स्ट लॉ उन्नीस सौ इक्यानवे में सौ अग्रणी अभिनेत्री के लिए ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार की सबसे कम उम्र की विजेता थी उनकी सबसे व्यासायिक रूप से सफल भूमिका अपराध फिल्म ताज़ा द हाई रोज ट्वेंटी सिक्स में मैडम जिये जिसने साउथ अभिनेता के उनका तीसरा ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार भी किम हय का जन्म 5 सितंबर उन्नीस सौ सत्तर को डोगने जिले की भूसान में हुआ था वह पांच बच्चों में से दूसरे थे जब वह अपने पिता के काम के कारण बुसान नेशनल एलिमेंट्री स्कूल में तीसरी कक्षा में थी तब वह सियोल मिलोग एलिमेंट्री स्कूल चली गई प्राथमिक विद्यालय में रहती हुई वह राष्ट्रीय टैकोड़ो बच्चों की प्रदर्शन टीम की सदस्य थी और अप्रैल उन्नीस सौ में अंतर्राष्ट्रीय ओलपिंग की समिति आई ओ सी के सातवें अध्यक्ष की जुआन एंटोनियो समझ को गुलदस्ता भेंट करने वाली फूल लड़ती थी उन्हें से पचासी में कीम ने नेस्लो मिलो के विज्ञापन और साथ ही पहले के पॉप संगीत वीडियो चो युंग पेल के सेंस गीत एमपटी इन द एयर में अभिनय किया उन्नीस सौ छियासी में जब किम हाई स्कूल की प्रथम वर्ष की छात्र थी तब उन्होंने कॉम्बो से अपनी फिल्म की शुरुआत की उन्होंने तेईसवी बैक सॉन्ग कला पुरस्कारों में कॉम्बो के लिए सौतीस नई अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता किम ने टेलीविजन त्रृंगला अपनी छवि के साथ मुंद्रित पेंसिल ब्रोडो की लोकप्रियता के कारण किम को उन्नीस सौ अस्सी का पेंसिल ब्रॉड स्टार कहे जाता है उन्हें उनकी समकालीन कीम ही सन और सिम यून हा के साथ अपनी उनकी राष्ट्रवाई परिसरी के लिए कोरियाई में उन्नीस सौ नब्बे के दह की ट्रिका का हिस्सा भी नामित किया गया उन्नीस सौ में क्रियम फिल्म फर्स्ट लॉ में मुख्य भूमिका निभाई और आदर्श महसूस लड़की के किरदार के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की सौत्र अग्रणी अभिनेत्री के लिए ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार जीता और उन्हें नेशनल के फर्स्ट लॉ का खिताब मिला हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अस दो दशकों में उन्होंने प्रमुख और सहायक भूमिका की एक बड़ी फिल्मोग्राफी एक तरह की विशेष रूप से टेलीविजन त्रृंखला डी वी रियली लॉ में बे युंग के साथ और आजे वो के साथ रिवेज एंड पैसन साथ ही फिल्म टाई ए युदीब उन्नीस सौ अन्ठानवे टू सौ की दस में किम ने टेलीविज़न की बजाय फिल्म में अपने करियर पर ध्यान अधिक ध्यान केंद्रित किया जिसमें किक द मून वाई एम सी ए बेसबॉल टीम और थ्री में अभिनय के इस समय उन्होंने हिप्रोटाइल्स की 2004 में एक गैलेमरस और आत्मविश्वास से भारी महिला के रूप में अपनी छवि को फिर से स्थापित किया द रेड शू ट्वेंटी फाइव और टेजा द हाई रोल्स ट्वेंटी तो सिक्स में किम की भूमिका उनकी सबसे अधिक पहचानी गई और उन्हें कोरियाई फिल्म सूची के उच्चतम रैंक में पहुंचा दिया इसके बाद विभिन्न फिल्में मुखियों भूमिकाएं निभाई गई।, गई गई जैसे कि एक गुडे टू हैंड एन अफेयर में एक गृहिणी एक कॉलेज छात्रा के साथ गुप्त रूप से ट्रेडिंग करती थी सिम के परिवार में एक नाखुश चाची मॉम में एक विश्या और मॉडर्न बाय 2008 में एक बार गायिका व ट्वेंटी टेन की विलेन और वीडियो में हांसु के साथ अपने सहयोग को अपने अभिनय करियर के मुख्य ऑक्शन में से एक मानती है ट्वेंटी नौ में किम स्टाइल के साथ टेलीविजन पर लौटे जो फैक्शन उद्योग पर आधारित था इसके बाद उन्होंने ट्वेंटी टेन में मिस्ट्री मेलोड्रामा होम स्वीट होम में काम किया फिल्म पुरस्कार समारोह और टीवी वी विविधा के शो के लिए लगातार मेजबान किम ट्वेंटी वन फाइव में एम बी सी क्रॉन अफेयर शो डब्ल्यू के मेज़बान बने किम एक उत्साही व चित्र प्रशंसक के कार्य प्रशंसक को कार्यक्रम के लिए एकदम सही माना गया क्योंकि इसने अपना ध्यान और आदेश स्थानांतरित कर दिया पायरे वरण और वैतृक मुख्यों के लिए डब्ल्यू वीर किम हाई सो का प्रीमियर जुलाई जुलाई 2010 में हुआ लेकिन अक्टूबर 2010 में 2010 में, 2010 में रज कर दिया क्योंकि ने नेटवर्क के फैसले की आलोचना की, की, की और 22 में वही किंग द यूम के लिए ही यंग जंग आ के लिए ही दोनों की समीक्षकों की यंग जंग आ ने 30 दिसंबर 26 को डॉक्टर है ओ एल से शादी की उनकी टू बच्चे हैं और जो इन सुंग के लिए ही दोनों की फिल्म में उन्हें द दी ए डॉल्टी कॉर्निवल ए प्रोफ्रोजन क्लावर फ्लावर द किंग द ग्रेट बैटल ए एस कैप क्रॉम मोग द में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है उन्होंने रियलिटी शो एन एक्सपेक्टैड बिजनेस की भी मेज़बानी की उनका नाम वर्तमान में आधिकारिक तौर पर जो इन उन्होंने चू एन सुंग और कभी कभी जो एन सुंग के रूप में रोमना रोमनाकृत किया गया जो एनसुंग का जन्म और पालन पोषण गैडोंग जिले सियोल में हुआ था जोनो जूनो की चुनम टैक्नो यूनिवर्सिटी में मॉडलिंग और इवेंट मैनेजमेंट का आध्न किया बाद में उन्होंने डोंगुंग की विद्यालय में थिएटर और फिल्म प्रमुख के रूप में दाखिल किया लेकिन कक्षा में आय उत्सिष्टि के कारण ट्वेंटी सेवन में उन्हें निष्कासित कर दिया गया जो ने अपने मनोरंजन करियर की शुरुआत उन्हें से अंठानवे में कपड़ों की ब्रांड जी यू जी के लिए मॉडल जी वो के लिए ही ब्रांड मॉडल के रूप में की थी उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत उन्नीस सौ निन्यानवे में एम बी सी सीट कॉम जॉब के माध्यम से की और ट्वेंटी में किसो नाटक स्कूल थ्री और सीट कॉम नॉन स्टॉप के दूसरे सीजन में अभिनय किया जो ने पहली बार ट्वेंटी वन की टेलीविज़न नाटक पियानो में सहायक सहायक भूमिका के साथ ध्यान आकर्षित किया जिसमें गोसू और किम हान हानुल कलाकार थे इसके बाद उन्हें ट्वेंटी टू में से फॉर द एस्टार्स में जियोन डो योन के साथ एक अनपढ़ अभिनेता के रूप में उनकी पहले ड्रामा प्रमुख भूमिका के लिए चुना गया उसी वर्ष उन्होंने फिल्म पब्लिक टॉयलेट से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की उन्होंने उस समय के साथ ही तेडूस ए जक यू कलाकार लोकप्रिय बाय बैड गॉड की कई संगीत वीडियो में भी अभिनय किया और इसका निर्देशन अभिनेता जंग भू सुंग ने किया था ट्वेंटी थ्री में जो ने तीन रोमांटिक फिल्मों में अभिनय किया विशेष रूप से कवाक जे यूंग द क्लासिक सोन ये जिन और चो वो के साथ ट्वेंटी फोर उन्होंने हाजी बोन और सोजी सब के साथ मेलो ड्रामा शर्म थी, इन बाली में टेलीविजन पर वापसी की समथिंग हैपनर एक बड़ी सफलता थी इसका अंतिम एपिसोड उनचालीस थ्री नाइन सेवन की सोरेच रेटिंग तक पहुंच गया जो उन्हें बागसोंग क्लब पुरस्कार और एसबीएस के ड्रामा पुरस्कार दोनों में साउथ अभिनेता का पुरस्कार जीता ट्वेंटी फाइव उन्होंने गोहून जंग के साथ उनकी कम ड्रामा सिप्रंग डे में अभिनय किया जो जापानी ड्रामा हेवंस क्राइम का रीमेक था जो ने अपनी अगली दो फिल्म पेशन निर्देशन यू हा के साथ शुरू किए ट्वेंटी सिक्स ए डॉटी जिसमें उन्होंने एक करिश्माई छोटे समय के गैंगस्टर की, की भूमिका निभाई जो एक खुशहाल जीवन चाहते है। और ट्वेंटी एट ए फ्रोजन फ्लावर ए गोरियो की पीरियड फिल्म जहां उनकी शाही अंगरक्षक चतित राजा और रानी के बीच प्रेम त्रिकोण में फंस गए सेवन अप्रैल ट्वेंटी नाइन को जो को दो साल की अनिवार्य सैन्य सेवा के लिए सूचीबद्ध किया गया कथित तौर पर वह अपने पिता नक से कदम पर चलने के लिए वायुसेना में शामिल होना चाहती थी जो एक गैर कमीशन अधिकारी के रूप में कार्यरत थे उन्होंने वायुसेना और वायुसेना बैंड में 25 महीने सेवा की और फोर मई ट्वेंटी इलेवन में को उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया प्रतिभा एजेंसी की सीडू से चक्कीियों के साथ अपने अनुबंध की सम्प्री पर जो मार्च ट्वेंटी वन टू में आईओ आई की कंपनी में शामिल हुए ट्वेंटी थ्री में उन्होंने उन्होंने मेहलो ड्रामा दैट विंटर विंट दो विडोज में संघ हो क्यू के साथ अभिनय किया जो जापानी नाटक फॉरगेट लॉ आ न ईरानी जो की रिमे के नत्सु, नाटक अपने अधिकांश समय के दौरान अपने टाइम लॉट में नंबर एक स्थान पर आ और जो और सन को उनकी प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली एक साल बाद जो एस बी एस की मेडिकल मेलोड्रामा इटस ओ के डैट में गोंग हो जीन के साथ डैट विंटर के टेली टेली प्ले लेखक और निर्देशन के साथ फिर से जुड़ गया जो ने डांग ग्रैंड पुरस्कार जीता जो ए पी ए ने स्टार आवर्स में टेलीविजन का शौर्य सम्मान है ट्वेंटी सुरे में जो को जोई जीव के साथ राष्ट्रीय कर सेवा की राजदूत के रूप में चुना गया था ट्वेंटी सेवन में जो ने क्राइम थ्रिलर द किंग में जंगभूसंग के साथ अभिनय किया जिसका निर्देशन द फेर्स रीडर के निर्देशन हान जे रीम ने किया था ट्वेंटी में उन्होंने ऐतिहासिक फिल्म द गाइड बैटल में अभिनय किया 21 में जो ने सी एफ मॉडल के ली सौतीस तो पुरुष नौ सीखिया का खिताब अर्जित किया ट्वेंटी टू में जो को पुरुष मशहूर हस्तियों में वह सेलिब्रिटी जिसके इस साल सीफ में सबसे अधिक दिखाई देने की संभावना के रूप में प्रथम स्थान दिया ट्वेंटी फोर को उन्होंने कहा हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुरियाई मूवी के बारे में तो दोस्तों अगर आप सम गर्ल्स मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा सम गर्ल्स की कुरियाई आर आर मिल्सू एक ट्वेंटी दक्षिण कोरियाई एक्शन क्राइम फिल्म जो रयू सुंग की तरह निर्देशित है किम जी यूं। यूं के साथ फिल्म का लेखन किया फिल्म किम हय सुम जंग आ जो इन सुंग पर जिय मीन किम जूंग सु और गो मीन सी हैं समर्ल्स को ट्वेंटी सिक्स जुलाई ट्वेंटी थ्री को के रूप से रिलीज किया गया था जब गुचियोन के शांतिपूर्ण समुद्र तटीय शहर में एक की संयंत्र का निर्माण किया गया तो ने, ने रातों रात अपनी नौकरी खो दी चुन किम वो सूख एक लड़ाकू है जो आजीविका कमाने का रास्ता तलाश रहा है ऐसा कहा जाता है कि समुद्र में फेंकी गई किसी वस्तु को उठाकर आप खूब पैसे कमा सकते हैं वह तस्करी की दुनिया के बारे में जानती है और और हेनेया के नेता ने जिन सुख आ के सामने एक ऑप्शन प्रस्ताव रखती है जिसने यह जानती हुई भी, भी कि यह खतरनाक है जीविका कमाने का साहसिक निर्णय लिया जैसे उसकी मुलाकात राष्ट्रीय तस्करी के राजा सौरज कुंजू जो इन सुंग से होती है उसे तस्करी से प्यार हो जाता है फिर एक दिन जीवन में एक बार भाग्य बनाने का अवसर आता है मुख्य फोटोग्राफी 5 जून 21 को शुरू हुई फिल्म को के तौर पर 23 थ्री टोटो की इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिटल में विशेष प्रस्तुति अनुभाग में आमंत्रित किया गया था जो लोकुनो की इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिटल के बाद सेवन से वन सेवन सेवेंटी सितंबर से तक आयोजित किया गया था यह फिल्म 26 जुलाई 23 को दर्शन कुरियाई में रिलीज हुई थी उर्धाटन में थ्री वन एट एट फोर प्रवेश दर्ज किए गए और दो सप्ताह तक दर्शन कोरियाई बॉक्स ऑफिस पर सेंस पर रहा फिल्म ने अपनी रिलीज के चौदह दिन एक मिलियन प्रवेश पर प्रवेश का आंकड़ा पार कर लिया और रिलीज की वन सेवन दिन पर फोर मिलियन से अधिक हो गई द राउंड ऑफ नोवे वे आउट के बाद सम्लस ट्वेंटी थ्री में ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने वाली दूसरी फिल्म बन गई और दू के लिए ही किम हाई सू के लिए ही दोनों की किम ने अपने करियर की शुरुआत उन्नीस से पचासी में नेस्लो मिलो की नेशनो ने मिलो की एक विज्ञापन से की थी उन्होंने फिल्म कॉम्बो उन्नीस सौ छियासी में एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत की जिसके लिए उन्हें ही उन्नीस सेवेंटी के बैक सॉन्ग ऑटर्स अवार्डस में सौतीस नई अभिनेत्री के रूप में पहली बार प्रशंसा मिली वह फर्स्ट लॉ उन्नीस सौ इक्यानवे में सौ अग्रणी अभिनेत्री लिए ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार की सबसे कम उम्र की विजेता थी उनकी सबसे व्यासायिक रूप से सफल भूमिका अपराध फिल्म ताज़ा द हाई रोज ट्वेंटी सिक्स में मैडम जिये थी जिसने साउथ तीर्ष अभिनेता उनका तीसरा ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार भी किम हये का जन्म 5 सितंबर उन्नीस सौ सत्तर को डोगनी जिले की भूसान में हुआ था वह पांच बच्चों में से दूसरे थे जब वह अपने पिता के काम के कारण भूसान नेशनल एलिमेंट्री स्कूल में तीसरी कक्षा में थी तब वह सियोल लोग एलिमेंट्री स्कूल चली गई प्राथमिक विद्यालय में रहती हुई वह राष्ट्रीय तय बच्चों की प्रदर्शन टीम की सदस्य थी और अप्रैल उन्नीस सौ में अंतर्राष्ट्रीय ओलपिंग की समिति आईओसी के सातवें अक्षर की जुआन एंटोनियो समरज को गुलदस्ता भेंट करने वाली फूल लड़ती थी उन्हें से पचासी में कीम ने नेस्लो मिलो के विज्ञापन और साथ ही पहले के पॉप संगीत वीडियो जो युंग पेल के गीत एमपोटी इन द एयर में अभिनय किया उन्नीस सौ छियासी में जब किम हाई स्कूल की प्रथम वर्ष की थी तब उन्होंने कॉम्बो से अपनी फिल्म की शुरुआत की उन्होंने बैक सॉन्ग कला पुरस्कारों में कॉम्बो के लिए सौतीस नई अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता किम ने टेलीविजन किम अपनी छवि के साथ मुंद्रित पेंसिल ब्रोडो की लोकप्रियता के कारण किम को उन्नीस सौ अस्सी दस का पेंसिल ब्रॉड स्टार कहे जाता है उन्हें उनकी समकालीन कीम ही सन और सिम यून हा के साथ अपनी उनकी राष्ट्रवाई परिसरी के लिए कोरियाई में उन्नीस सौ नब्बे के दश की ट्रिका का हिस्सा भी नामित किया गया उन्नीस सौ में क्रीम फिल्म फर्स्ट लॉ में मुख्य भूमिका निभाई और आदर्श महसूस लड़की के किरदार के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की सौत्रस अग्रणी अभिनेत्री के लिए ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार जीता और उन्हें नेशनल फर्स्ट लॉ का खिताब मिला हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अस पड़े दो दशकों में उन्होंने प्रमुख और सहायक भूमिका की एक बड़ी फिल्मोग्राफी एक तरह की विशेष रूप से टेलीविजन श्रृंखला डी वी रियली लॉ में बे युंग जून के साथ और आजे वो के साथ रिवेज एंड पैसन साथ ही फिल्म टाई ए युदीब उन्नीस सौ अन्ठानवे टू सौ की दस में किम ने टेलीविजन की बजाय फिल्म में अपने करियर पर ध्यान अधिक ध्यान केंद्रित किया जिसमें किक द मून वाई एम सी ए बेसबॉल टीम और थ्री में अभिनय के इस समय उन्होंने हिप्रोटाइल्स की 2004 में एक गैलेमरस और आत्मविश्वास से भारी महिला के रूप में अपनी छवि को फिर से स्थापित किया द रेड ट्वेंटी फाइव और टेजा द हाई रोल्स ट्वेंटी तो सिक्स में किम की भूमिका उनकी सबसे अधिक पहचानी गई और उन्हें कोरियाई फिल्म ए सूची के उच्चतम रैक में पहुंचा दिया इसके बाद विभिन्न फिल्में मुखियों भूमिकाएं निभाई गई गई जैसे कि एक गुड डे टू हैंड एन अफेयर में एक गृहिणी एक कॉलेज छात्रा के साथ गुप्त रूप से ट्रेडिंग करती थी सिम के परिवार में एक नाखुश चाची एलिवेट मॉम में एक विषया और मॉडर्न बाय 2008 में एक बार गायिका व ट्वेंटी टेन की विलेन और वीडियो में सुख लड़कियों के साथ अपने सहयोग को अपने अभिनय करियर के मुख्य ऑक्शन में से एक मानते हैं ट्वेंटी नौ में किम के साथ टेलीविजन पर लौटी जो फैक्शन उद्योग पर आधारित था इसके बाद उन्होंने ट्वेंटी टेन में मिस्ट्री मेलो होम स्वीट होम में काम किया फिल्म पुरस्कार समारोह और टीवी विविधता के शो के लिए लगातार मेजबान किम ट्वेंटी वन फाइव में एम बी सी क्रॉन अफेयर शो डब्ल्यू के मेजबान बने किम एक उत्साही चित्र प्रशंसा की कार्य प्रशंसा को कार्यक्रम के लिए एकदम सही माना गया क्योंकि इसने अपना ध्यान और आदेश स्थानांतरित कर दिया पायरे वर्ण और वैतृक मुख्यों के लिए डब्ल्यू वी किम हाई शो का प्रीमियर जुलाई जुलाई 2010 में हुआ लेकिन अक्टूबर 2010 में 2010 में रश कर दिया क्योंकि किम नेटवर्क के फैसले की आलोचना की, की, की और 22 में वही किंग द यूम के लिए ही यंग जंग आ के लिए ही दोनों की समीक्षकों की यंग जंग आ ने थर्टी दिसंबर ट्वेंटी सिक्स को डॉक्टर है ओ एल से शादी की उनकी टू बच्चे हैं और जो इन्सों के लिए ही दोनों की समीच को फिर में उन्हें दो क्लास ए डॉल्टी कॉर्निवल ए प्रोफ्रोजन क्लावर फ्लावर द किंग द ग्रेट बैटल ए एस कैप क्रॉम मोग दिशो में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है उन्होंने रियलिटी शो एन एक्सपेक्टेड तो बिजनेस की भी मेज़बानी की उनका नाम वर्तमान में आधिकारिक तौर पर जू इन सुंग उन्होंने जू इन सुंग और कभी कभी जू इन सुग के रूप में रोमनाकृत किया गया जो इन सुंग का जन्म और पालन पोषण गैडोंग जिले सियोल में हुआ था जोनो जो जूनो की चुनम टैक्नो यूनिवर्सिटी में मॉडलिंग और इवेंट मैनेजमेंट का आगेन किया बाद में उन्होंने डोंगुंग की विद्यालय में थिएटर और फिल्म प्रमुख के रूप में दाखिल किया लेकिन कक्षा में आयप्रद उपिष्टि के कारण ट्वेंटी सेवन में उन्हें निष्कासित कर दिया गया जो ने अपने मनोरंजन करियर की शुरुआत उन्नीस सौ अंठानवे में कपड़ों की ब्रांड जी के लिए मॉडल जी वो जियो के लिए ही ब्रांड मॉडल के रूप में की थी उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत उन्नीस सौ निन्यानवे में एम बी सी कॉम जॉब के माध्यम से की और ट्वेंटी में किशोर नाटक स्कूल थ्री और सेट कॉम नॉन स्टॉप के दूसरे सीजन में अभिनय किया जो ने पहली बार ट्वेंटी वन टेलीविज़न नाटक पियानो में सहायक सहायक भूमिका के साथ ध्यान आकर्षित किया जिसमें गोसू और किम हान ने कलाकार थे इसके बाद उन्हें ट्वेंटी टू में से फॉर द एस्टार्स में जियोन डो योन के साथ एक अनपढ़ अभिनेता के रूप में उनकी पहली ड्रामा प्रमुख भूमिका के लिए चुना गया उसी वर्ष उन्होंने फिल्म पब्लिक टॉयलेट से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की उन्होंने उस समय के साथ ही सीडू सा ए जक यू कलाकार लोकप्रिय बाय बैड गॉड की कई संगीत वीडियो में भी अभिनय किया और इसका निर्देशन अभिनेता जंग वो सुंग ने किया था ट्वेंटी थ्री में जो ने तीन रोमांटिक फिल्मों में अभिनय किया विशेष रूप से कवाक जे यूंग द क्लासिक सोन ये जिन और चो सैंग वो के साथ ट्वेंटी फोर उन्होंने हाजी बोन और सोजी सब के साथ मेलो ड्रामा शरमति हैपनॉ इन बाली में टेलीविजन पर वापसी की समथिंग हैपनर एक बड़ी सफलता थी इसका अंतिम एपिसोड उनचालीस से थ्री नाइन सेवन की सोरेच रेटिंग तक पहुंच गया जो उन्हें बागसंग क्लब पुरस्कार और एस बी एस के ड्रामा पुरस्कार दोनों में साउथ अभिनेता का पुरस्कार जीता ट्वेंटी फाइव उन्होंने गोहून जंग के साथ उनकी कम ड्रामा सिप्रंग डे में अभिनय किया जो जापानी ड्रामा हेवं क्राइम का रीमेक था जो ने अपनी अगली दो फिल्मों पेशन निर्देशन यू हा के साथ शुरू किए ट्वेंटी सिक्स ए डॉटी कॉर्निवर्स जिसमें उन्होंने एक करिश्माई छोटे समय के गैंगस्टर की भूमिका निभाई जो एक खुशहाल जीवन चाहते है। और ट्वेंटी एट ए फ्रोजन फ्लावर ए गोरियो की पीरियड फिल्म जहां उनकी शाही अंगरक्षक चतित राजा और रानी के बीच प्रेम त्रिकोण में फंस गए सेवन अप्रैल ट्वेंटी नाइन को जो को दो साल की अनिवार्य सैन्य के लिए सूचीबद्ध किया गया कथित तौर पर वह अपने पिता नक से कदम पर चलने के लिए वायुसेना में शामिल होना चाहती थी जो एक गैर कमीशन अधिकारी के रूप में कार्यरत थे उन्होंने वायुसेना और वायुसेना बैंड में 25 महीने सेवा की और फोर मई ट्वेंटी इलेवन में को उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया प्रतिभा एजेंसी की सीडू से चक्कीियों के साथ अपने अनुबंध की समृत पर जो मार्च ट्वेंटी वन टू में आईओ आई की कंपनी में शामिल हुए ट्वेंटी थ्री में उन्होंने उन्होंने मेहलो ड्रामा विंटर में संग हो क्यू के साथ साथ अभिनय किया जो जापानी नाटक तो फॉरगेट लव आते ईरानी जो कि रिमे के नत्सु नाटक अपने अधिकांश समय के दौरान अपने टाइम लॉट में नंबर एक स्थान पर आ और जो और सन को उनकी प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली एक साल बाद जो एस बी एस की मेडिकल मेलोड्रामा इटस ओ के डैट में गोंग हो जीन के साथ डेट विंटर के टेली टेली प्ले लेखक और निर्देशन के साथ फिर से जुड़ गया जो ने डिसांग ग्रैंड पुरस्कार जीता जो ए पी ए ने स्टार आवर्स में टेलीविजन का शौर्य सम्मान है जो को जोई जीव के साथ राष्ट्रीय कर सेवा की राजदूत के रूप में चुना गया था ट्वेंटी सेवन में जो ने क्राइम थ्रिलर द किंग में जंगभूसंग के साथ अभिनय किया जिसका निर्देशन द फेर्स रीडर के निर्देशन हान जे रीम ने किया था 2018 में उन्होंने ऐतिहासिक फिल्म गाइड बैटल में अभिनय किया 21 में जो ने सी मॉडल के ली सौतीस तो पुरुष नौ सीखिया का खिताब अर्जित किया ट्वेंटी टू में जो को पुरुष मशहूर हस्तियों में वह सेलिब्रिटी जिसके इस तरह में सबसे अधिक दिखाई देने की संभावना के रूप में प्रथम स्थान दिया ट्वेंटी फोर को उन्होंने कहा हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुरियाई मूवी के बारे में तो दोस्तों अगर आप सम गर्ल्स मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहती हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा सम गर्ल्स की कुरियाई आर आर मिल्सू एक ट्वेंटी दक्षिण कोरियाई एक्शन क्राइम फिल्म जो रयू सुंग की तरह निर्देशित है किम यून यूं के साथ फिल्म का लेखन किया फिल्म किम हय सुम जंग आ जो इन सुंग जियोंग जिय किम जोंग सु और गो मीन सी हैं सम गर्ल्स को ट्वेंटी सिक्स जुलाई ट्वेंटी थ्री को नाटकी रूप से रिलीज किया गया था जब गुच्चियों के शांतिपूर्ण समुद्र तटी शहर में एक की संयंत्र का निर्माण किया गया तो ने, ने रातों रात अपनी नौकरी खो दी चुन किम वो सुक एक लड़ाकू है जो आजीविका कमाने का रास्ता तलाश रहा है ऐसा कहा जाता है कि समुद्र में फेंकी गई किसी वस्तु को उठाकर आप खूब पैसे कमा सकते हैं वह तस्करी की दुनिया के बारे में जानती है और और हेनेया के नेता ने जिन सुख यम जंग के सामने एक ऑप्शन प्रस्ताव रखती है जिसने यह जानती हुई भी, भी कि यह खतरनाक है जीविका कमाने का साहसिक निर्णय लिया जैसे उसकी मुलाकात राष्ट्रीय तस्करी के राजा सौ कौन जो इन सुंग से होती है उसे तस्करी से प्यार हो जाता है फिर एक दिन जीवन में एक बार भाग्य बनाने का अवसर आता है मुख्य फोटोग्राफी 5 जून 21 को शुरू हुई फिल्म को के तौर पर 23 थ्री टोरटो की इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिटल में विशेष प्रस्तुति अनुभाग में आमंत्रित किया गया था जो लोखंडों की इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिटल के बाद सेवन से वन सेवन सेवेंटी सितंबर से तक आयोजित किया गया था यह फिल्म 26 जुलाई 23 को दर्शिण कुरियाई में रिलीज हुई थी उर्धाटन में थ्री वन एट एट फोर प्रवेश दर्ज किए गए और दो सप्ताह तक दक्षिण कोरियाई बॉक्स ऑफिस पर सेंस पर रहा फिल्म ने अपनी रिलीज के चौदह दिन एक मिलियन प्रवेश पर प्रवेश का आंकड़ा पार कर लिया और रिलीज की वन सेवन दिन पर फोर मिलियन से अधिक हो गई द राउंड ऑफ नौ वे आउट के बाद सम्वेंटी थ्री में ब्रेक इवन पाइन तक पहुंचने वाली दूसरी फिल्म बन गई और दू के लिए ही किम हाई सू के लिए ही दोनों की किम ने अपने करियर की शुरुआत उन्नीस से पचासी में नेस्लो मिलो की नेशनो मिलो की एक विज्ञापन से की थी उन्होंने फिल्म कॉम्बो उन्नीस सौ छियासी में एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत की जिसके लिए उन्हें ही उन्नीस सेवेंटी के बैक सॉन्ग ऑटर्स अवार्डस में सौतीस नई अभिनेत्री के रूप में पहली बार प्रशंसा मिली वह फर्स्ट लॉ उन्नीस सौ इक्यानवे में सौ अग्रणी अभिनेत्री के लिए ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार की सबसे कम उम्र की विजेता थी उनकी सबसे व्यासायिक रूप से सफल भूमिका अपराध फिल्म ताज़ा द हाई रोज ट्वेंटी सिक्स में मैडम की थी जिसने साउथ तीर्ष अभिनेता लिए उनका तीसरा ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार भी किम हये का जन्म 5 सितंबर उन्नीस सौ सत्तर को डोगनी जिले की भूसान में हुआ था वह पांच बच्चों में से दूसरे थे जब वह अपने पिता के काम के कारण भूसान नेशनल एलिमेंट्री स्कूल में तीसरी कक्षा में थी तब वह सियोल मिल एलिमेंट्री स्कूल चली गई प्राथमिक विद्यालय में रहती हुई वह राष्ट्रीय टाइकोड़ो बच्चों की प्रदर्शन टीम की सदस्य थी और अप्रैल उन्नीस सौ में अंतर्राष्ट्रीय पिंग की समिति आई के सातवीं अक्षर की जुआन एंटोनियो समझ को गुलदस्ता भेंट करने वाली फूल लड़ती थी उन्हें से पचासी में कीम ने नेस्लो मिलो के विज्ञापन और साथ ही पहले के पॉप संगीत वीडियो चो एम एम्पोटी इन द एयर में अभिनय किया उन्नीस सौ छियासी में जब किम हाई स्कूल की प्रथम वर्ष की छात्र थी तब उन्होंने कॉम्बो से अपनी फिल्म की शुरुआत की उन्होंने तेईसवी बैक सॉन्ग कला पुरस्कारों में कॉम्बो के लिए सौंतीस नई अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता किम ने टेलीविजन श्रृंखला अपनी छवि के साथ मुद्रित पेंसिल ब्रोडो की लोकप्रियता के कारण किम को उन्नीस सौ अस्सी दस का पेंसिल ब्रॉड स्टार कहे जाता है उन्हें उनकी समकालीन कीम ही सन और सिम यून हा के साथ अपनी उनकी राष्ट्रवाई परिसरी के लिए कोरियाई में उन्नीस सौ नब्बे के दश की, की ट्रिका का हिस्सा भी नमित किया गया उन्नीस सौ में क्रीम फिल्म फर्स्ट लॉ में मुख्य भूमिका निभाई और आदर्श महसूस लड़की के किरदार के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की सौत्रस अग्रणी अभिनेत्री के लिए ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार जीता और उन्हें नेशनल के फर्स्ट लॉ का खिताब मिला हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असपरे दो दशकों में उन्होंने प्रमुख और सहायक भूमिका की एक बड़ी फिल्मोग्राफी एक तरह की विशेष रूप से टेलीविजन श्रृंखला डी डी रियली लॉ में बे जून के साथ और आजे वो के साथ रिवेज एंड पैसन साथ ही फिल्म टाई ए युदीब उन्नीस सौ अन्ठानवे टू सौ की दस में किम ने टेलीविज़न की बजाय फिल्म में अपने करियर पर ध्यान अधिक ध्यान केंद्रित किया जिसमें किक द मून वाई एम सी ए बेसबॉल टीम और थ्री में अभिनय के इस समय उन्होंने हिप्रोटाइल्स की 2004 में एक गैलेमरस और आत्मविश्वास से भारी महिला के रूप में अपनी छवि को फिर से स्थापित किया द रेड ट्वेंटी फाइव और टेजा द हाई रोल्स ट्वेंटी तो सिक्स में किम की भूमिका उनकी सबसे अधिक पहचानी गई और उन्हें कोरियाई फिल्म सूची के उच्चतम रैंक में पहुंचा दिया इसके बाद विभिन्न फिल्में मुखियों भूमिकाएं निभाई गई।, गई गई जैसे कि एक गुडे टू हैंड एन अफेयर में एक गृहिणी एक कॉलेज छात्रा के साथ गुप्त रूप से ट्रेडिंग करती थी सिम के परिवार में एक नाखुश चाची एलिवेट मॉम में एक विषया और मॉडर्न बाय 2008 में एक बार गायिका ट्वेंटी टेन की विलेन और वीडियो में हान के साथ अपने सहयोग को अपने अभिनय करियर के मुख्य ऑक्शन में से एक मानती है ट्वेंटी नौ में किम स्टाइल के साथ टेलीविजन पर लॉटी जो फैक्शन उद्योग पर आधारित था इसके बाद उन्होंने ट्वेंटी टेन में मिस्ट्री मेलोड्रामा होम स्वीट होम में काम किया फिल्म पुरस्कार समारोह और टीवी वी विविधा के शो के लिए लगातार मेजबान किम ट्वेंटी वन फाइव में एम बी सी क्रॉन अफेयर शो डब्ल्यू के मेजबान बने किम एक उत्साही उस्ताही चित्र प्रशंसा के काय प्रशंसा को कार्यक्रम के लिए एकदम सही माना गया क्योंकि इसने अपना ध्यान और आदि स्थानांतरित कर दिया पायरे वरन और वैतरिक मुक्षियों के लिए डब्ल्यू वीर किम हाई सो का प्रीमियर जुलाई जुलाई 2010 में हुआ लेकिन अक्टूबर 2010 में 2010 में, 2010 में रज कर दिया क्योंकि किम नेटवर्क के फैसले की आलोचना की, की, की और 22 में वही किंग द यूम के लिए ही यंग जंग आ के लिए ही दोनों की समीक्षा की यंग जंग आ ने थर्टी दिसंबर 26 को डॉक्टर है ओ एल से शादी की उनकी टू बच्चे हैं और जो इन सुंग के लिए ही दोनों की को फिल्म में उन्हें द दी ए डॉल्टी कॉर्निवल ए प्रो, फ्रोजन क्लावर फ्लावर द किंग द ग्रेट बैटल ए एस कैप क्रॉम मोग द में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है उन्होंने रियलिटी शो एन एक्सपेक्टैड बिजनेस की भी मेज़बानी की उनका नाम वर्तमान में आधिकारिक तौर पर जो इन उन्होंने चू एन और कभी कभी जो एन सुंग के रूप में रोमनाकृत किया गया जो एनसुंग का जन्म और पालन पोषण गैडोंग जिले सियोल में हुआ था जूनो जूनो की चुनम टैक्नो यूनिवर्सिटी में मॉडलिंग और इवेंट मैनेजमेंट का आध्यन किया बाद में उन्होंने डोंगुंग की विद्यालय में थिएटर और फिल्म प्रमुख के रूप में दाखिल किया लेकिन कक्षा में आय उपिष्ट के कारण ट्वेंटी सेवन में उन्हें निष्कासित कर दिया गया जो ने अपने मनोरंजन करियर की शुरुआत उन्हें से अंठानवे में कपड़ों की ब्रांड जी यू जी के लिए मॉडल जी ओ जियो के लिए ही ब्रांड मॉडल के रूप में की थी उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत उन्नीस सौ निन्यानवे में, में एम बी सी कॉम जॉब के माध्यम से की और ट्वेंटी में किसो नाटक स्कूल थ्री और सेट कॉम नॉन स्टॉप के दूसरे सीजन में अभिनय किया जो ने पहली बार ट्वेंटी वन की टेलीविज़न नाटक पियानो में सहायक सहायक भूमिका के साथ ध्यान आकर्षित किया जिसमें गोसू और किम हान ने सा कलाकार थे इसके बाद उन्हें ट्वेंटी टू में स्ट्रीट टूट फॉर द एस्टार में जियोन डो योन के साथ एक अनपढ़ अभिनेता के रूप में उनकी पहले ड्रामा प्रमुख भूमिका के लिए चुना गया उसी वर्ष उन्होंने फिल्म पब्लिक टॉयलेट से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की उन्होंने उस समय के साथ ही सेडू सा ए जक यू कलाकार लोकप्रिय बाय बैड गोड की कई संगीत वीडियो में भी अभिनय किया और इसका निर्देशन अभिनेता जंग वो सुंग ने किया था ट्वेंटी थ्री में जो ने तीन रोमांटिक फिल्मों में अभिनय किया विशेष रूप से कवाक जे यूंग द क्लासिक सोन ये जिन और चो सैंग वो के साथ ट्वेंटी फोर उन्होंने हाजी बोन और सोजी सब के साथ मेलो ड्रामा शर्मी हैपनॉ इन बाली में टेलीविजन पर वापसी की समथिंग हैपनर एक बड़ी सफलता थी इसका अंतिम एपिसोड उनचालीस से थ्री नाइन सेवन की सोरेच रेटिंग तक पहुंच गए जो उन्हें बागसोंग क्लब पुरस्कार और एस बी एस के ड्रामा पुरस्कार दोनों में अभिनेता का पुरस्कार जीता ट्वेंटी फाइव उन्होंने गो किया जो जापानी ड्रामा हेवं क्राइन का रीमेक था जो ने अपनी अगली दो फिल्म पीसन निर्देशन यू हा के साथ शुरू किए ट्वेंटी सिक्स ए डॉटी कॉर्निवर्स जिसमें उन्होंने एक करिश्माई छोटे समय के गैंगस्टर की भूमिका निभाई जो एक खुशहाल जीवन चाहते है। और ट्वेंटी एट ए फ्रोजन फ्लावर ए गोरियो की पीरियड फिल्म जहां उनकी शाही अंगरक्षक चतित राजा और रानी के बीच प्रेम त्रिकोण में फंस गए सेवन अप्रैल ट्वेंटी नाइन को जो को दो साल की अनिवार्य सैन्य के लिए सूचीबद्ध किया गया कथित तौर पर वह अपने पिता नक से कदम पर चलने के लिए वायुसेना में शामिल होना चाहती थी जो एक गैर कमीशन अधिकारी के रूप में कार्यरत थे उन्होंने वायुसेना और वायुसेना बैंड में 25 महीने सेवा की और 4 मई ट्वेंटी इलेवन में को उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया प्रतिभा एजेंसी की सीडू से चक्कीियों के साथ अपने अनुबंध की संप्र पर जो मार्च ट्वेंटी वन टू में आईओ आई की कंपनी में शामिल हुए ट्वेंटी थ्री में उन्होंने उन्होंने मेहलो ड्रामा विंटर ऑफ विडोज में संग वो क्यू के साथ साथ अभिनय किया जो जापानी नाटक फॉरगेट लव आते ईरानी जो कि धीमे के नत्सु, नाटक अपने अधिकांश समय के दौरान अपने टाइम स्लॉट में नंबर एक स्थान पर आ और जो और सन को उनकी प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली एक साल बाद जो एस बी एस की मेडिकल मेलोड्रामा इटस ओ के डैट लॉस में गोंग हो जीन के साथ डेट विंटर के टेली टेली प्ले लेखक और निर्देशन के साथ फिर से जुड़ गया जो ने डिसांग ग्रैंड पुरस्कार जीता जो एपीए ने स्टार आवर्स में टेलीविजन का शौर्य सम्मान है जो को जोई जीव के साथ राष्ट्रीय कर सेवा की राजदूत के रूप में चुना गया था ट्वेंटी सेवन में जो ने क्राइम थ्रिलर द किंग में जंग भू सुंग के साथ अभिनय किया जिसका निर्देशन द फेर्स रीडर के निर्देशन हान जे रीम ने किया था ट्वेंटी में उन्होंने ऐतिहासिक फिल्म गाइड बैटल में अभिनय किया 21 में जो ने सी मॉडल के ली सौतीस तो पुरुष नौ सीखिया का खिताब अर्जित किया ट्वेंटी टू में जो को पुरुष मशहूर हस्तियों में वह सेलिब्रिटी जिसके इस साल सीफ में सबसे अधिक दिखाई देने की संभावना के रूप में प्रथम स्थान दिया ट्वेंटी फोर को उन्होंने कहा हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुरियाई मूवी के बारे में तो दोस्तों अगर आप सम गर्ल्स मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा सम गर्ल्स की कुरियाई आर आर मिल्सू एक ट्वेंटी दक्षिण कोरियाई एक्शन क्राइम फिल्म जो रयू संग की तरह निर्देशित है किम यून के साथ फिल्म का लेखन के फिल्म किम हूय किम जंग आ जो इन सुंग जियोंग जियम किम जोंग सु और गो मीन सी हैं समर्ल्स को ट्वेंटी सिक्स जुलाई ट्वेंटी थ्री को के रूप से रिलीज किया गया था जब गुचियोन के शांतिपूर्ण समुद्र तटीय शहर में एक रसायनी की संयंत्र का निर्माण किया गया तो ने, ने रातों रात अपनी नौकरी खो दी चुन किम वो सुख एक लड़ाकू है जो आजीविका कमाने का रास्ता तलाश रहा है ऐसा कहा जाता है कि समुद्र में फेंकी गई किसी वस्तु को उठाकर आप खूब पैसे कमा सकते हैं वह तस्करी की दुनिया के बारे में जानती है और और हेनेया के नेता ने जिन सुख यम जंग के सामने एक ऑप्शन प्रस्ताव रखती है जिसने यह जानती हुई भी, भी कि यह खतरनाक है जीविका कमाने का साहसिक निर्णय लिया जैसे उसकी मुलाकात राष्ट्रीय तस्करी के राजा सौरज जो इन सोंग से होती है उसे तस्करी से प्यार हो जाता है फिर एक दिन जीवन में एक बार भाग्य बनाने का अवसर आता है मुख्य फोटोग्राफी 5 जून 21 तो को शुरू हुई फिल्म को के तौर पर 23 थ्री की इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिटल में विशेष प्रस्तुति अनुभाग में आमंत्रित किया गया था जो लोकनों की इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिटल के बाद से सेवन से वन सेवन तक आयोजित किया गया था यह फिल्म ट्वेंटी सिक्स जुलाई ट्वेंटी थ्री को दर्शिण कोरियाई में रिलीज हुई थी उर्धाटन में थ्री वन एट एट फोर प्रवेश दर्ज किए गए और दो सप्ताह तक दर्शि कोरियाई बॉक्स ऑफिस पर सेंस पर रहा फिल्म ने अपनी रिलीज के चौदह दिन एक मिलियन प्रवेश पर प्रवेश का आंकड़ा पार कर लिया और रिलीज की वन सेवन स्वें दिन पर फोर मिलियन से अधिक हो गई द राउंड ऑफ नो वे आउट के बाद सम्वेंटी थ्री में ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने वाली दूसरी फिल्म बन गई और दू के लिए ही किम हाई सू के लिए ही दोनों की किम ने अपने करियर की शुरुआत उन्नीस से पचासी में नेस्लो मिलो की नेशनो ने मिलो की एक विज्ञापन से की थी उन्होंने फिल्म कॉम्बो उन्नीस सौ छियासी में एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत की जिसके लिए उन्हें ही उन्नीस सेवेंटी के बैक सॉन्ग ऑटर्स अवार्डस में सौतीस नई अभिनेत्री के रूप में पहली बार प्रशंसा मिली वह फर्स्ट लॉ उन्नीस सौ इक्यानवे में सौ अग्रणी अभिनेत्री के लिए ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार की सबसे कम उम्र की विजेता थी उनकी सबसे व्यासायिक रूप से सफल भूमिका अपराध फिल्म ताज़ा द हाई रोज ट्वेंटी सिक्स में मैडम जियम की थी जिसने सौतीस अभिनेता के उनका तीसरा ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार भी किम हयसू का जन्म 5 सितंबर 1970 को डोगने जिले की भूसान में हुआ था वह पांच बच्चों में से दूसरे थे जब वह अपने पिता के काम के कारण भूसान नेशनल एलिमेंट्री स्कूल में तीसरी कक्षा में थी तब वह सियोल में लोग एलिमेंट्री स्कूल चली गई प्राथमिक विद्यालय में रहती हुई वह राष्ट्रीय टाइकोड़ो बच्चों की प्रदर्शन टीम की सदस्य थी और अप्रैल उन्नीस सौ में अंतर्राष्ट्रीय पिंग की समिति आई के सातवें अक्षर की जुआन एंटोनियो समझ को गुलदस्ता भेंट करने वाली फूल लड़ती थी उन्हें से पचासी में कीम ने नेस्लो मिलो के विज्ञापन और साथ ही पहले के पॉप संगीत वीडियो जो युग पेल के गीत एम्पोटी इन द एयर में अभिनय किया उन्नीस सौ छियासी में जब किम हाई स्कूल की प्रथम वर्ष की छात्र थी तब उन्होंने कॉम्बो से अपनी फिल्म की शुरुआत की उन्होंने तेईसवी बैग सॉन्ग कला पुरस्कारों में कॉम्बो के लिए सौतीस नई अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता किम ने टेलीविजन श्रृंखला अपनी छवि के साथ मुद्रित पेंसिल ब्रोडो की लोकप्रियता के कारण किम को उन्नीस सौ अस्सी दस का पेंसिल ब्रॉड स्टार कहे जाते हैं उन्हें उनकी समकालीन कीम ही सन और सिम यून हा के साथ अपनी उनकी राष्ट्रवाई परिसरी के लिए कोरियाई में उन्नीस सौ नब्बे के दर्ज की ट्रिका का हिस्सा भी नमित किया गया उन्नीस सौ इक्यानवे में क्रीम फिल्म फर्स्ट लॉ में मुख्य भूमिका निभाई और आदर्श महसूस लड़की के किरदार के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्रापात की सौंतीस अग्रणी अभिनेत्री के लिए ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार जीता और उन्हें नेशनल के फर्स्ट लॉ का खिताब मिला हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असपरे दो दशकों में उन्होंने प्रमुख और सहायक भूमिका की एक बड़ी फिल्मोग्राफी एक तरह की विशेष रूप से टेलीविजन श्रृंखला डी डी रियली लॉ में बे जून के साथ और आजे वो के साथ रिवेज एंड पैसन साथ ही फिल्म टाई ए योदिबन उन्नीस सौ अन्ठानबे टू सौ की दस में किम ने टेलीविजन की बजाय फिल्म में अपने करियर पर ध्यान अधिक ध्यान केंद्रित किया जिसमें किक द मून वाई एम सी ए बेसबॉल टीम और थ्री में अभिनय के इस समय उन्होंने हिप्रोटाइल्स की 2004 में एक गैलेमरस और आत्मविश्वास से भारी महिला के रूप में अपनी छवि को फिर से स्थापित किया द रेड ट्वेंटी फाइव और टैजा द हाई रोल्स ट्वेंटी तो सिक्स में किम की भूमिका उनकी सबसे अधिक पहचानी गई और उन्हें कोरियाई फिल्म ए सूची के उच्चतम रैंक में पहुंचा दी इसके बाद विभिन्न फिल्में मुखियों भूमिकाएं निभाई गई।, गई गई जैसे कि एक गुडे टू हैंड एन अफेयर में एक गृहिणी एक कॉलेज छात्रा के साथ गुप्त रूप से ट्रेडिंग करती थी सिम के परिवार में एक नाखुश चाची एलिवेथ मॉम में एक विषया और मॉडर्न बाय 2008 में एक बार गायिका व ट्वेंटी टेन की विलेन और वीडियो में हान के साथ अपने सहयोग को अपने अभिनय करियर के मुख्य ऑक्शन में से एक मानती हैं। ट्वेंटी नौ में किम स्टाइल के साथ टेलीविजन पर लौटी जो फैक्शन उद्योग पर आधारित था इसके बाद उन्होंने ट्वेंटी टेन में मिस्ट्री मेलोड्रामा होम स्वीट होम में काम किया फिल्म पुरस्कार समारोह और टीवी विविधा के शो के लिए लगातार मेजबान किम ट्वेंटी वन फाइव में एम बी सी क्रॉन अफेयर शो डब्ल्यू के मेज़बान बने किम एक उत्साही उस्ताही चित्र प्रशंसा के काय प्रशंसा को कार्यक्रम के लिए एकदम सही माना गया क्योंकि इसने अपना ध्यान और आदेश स्थानांतरित कर दिया पाइरे वरण और वैतरिक मुक्षियों के लिए डब्ल्यू वी किम हाई सो का प्रीमियर जुलाई जुलाई 2010 में हुआ लेकिन अक्टूबर 2010 में 2010 में, 2010 में रश कर दिया क्योंकि किम नेटवर्क के फैसले की आलोचना की, की, की और 22 में वही किंग द यूम के लिए ही यंग जंग आ के लिए ही दोनों की समीक्षकों की यंग जंग आ ने थर्टी दिसंबर 26 को डॉक्टर है ओ एल से शादी की उनकी टू बच्चे हैं और जो इन सुंग के लिए ही दोनों की फिल्म में उन्हें दो क्लास दी ए डॉल्टी कॉर्निवल ए प्रोफ्रोजन क्लावर फ्लावर द किंग द ग्रेट बैटल ए एस कैप क्रॉम मोक दिसू में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है उन्होंने रियलिटी शो एन एक्सपेक्टैड बिजनेस की भी मेज़बानी की उनका नाम वर्तमान में आधिकारिक तौर पर जो इन उन्होंने चू एन सुंग और कभी कभी जो इन सुंग के रूप में रोमना क्रूत किया गया जो सुंग का जन्म और पालन पोषण गैडोंग जिले सियोल में हुआ था जूनो जूनो की चुनम टैक्नो यूनिवर्सिटी में मॉडलिंग और इवेंट मैनेजमेंट का आध्न किया बाद में उन्होंने डोंगुंग की विद्यालय में थिएटर और फिल्म प्रमुख के रूप में दाखिल किया लेकिन कक्षा में आय उपिष्ट के कारण ट्वेंटी सेवन में उन्हें निष्कासित कर दिया गया जो ने अपने मनोरंजन करियर की शुरुआत उन्हें से अंठानवे में कपड़ों की ब्रांड जी यू जी के लिए मॉडल जी जियो के लिए ही ब्रांड मॉडल के रूप में की थी उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत उन्नीस सौ निन्यानवे में एम बी सी कॉम जॉब के माध्यम से की और ट्वेंटी में किशोर नाटक स्कूल थ्री और सेट कॉम नॉन स्टॉप के दूसरे सीजन में अभिनय किया जो ने पहली बार ट्वेंटी वन टेलीविजन नाटक पियानो में सहायक सहायक भूमिका के साथ ध्यान आकर्षित किया जिसमें गोसु और किम हान ने सा कलाकार थे इसके बाद उन्हें ट्वेंटी टू में से फ्रूट फॉर द एस्टार में जियोन डो योन के साथ एक अनपढ़ अभिनेता के रूप में उनकी पहली ड्रामा प्रमुख भूमिका के लिए चुना गया उसी वर्ष उन्होंने फिल्म पब्लिक टॉयलेट से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की उन्होंने उस समय के साथ ही सीडू सा चक यू कलाकार लोकप्रिय बाय बैड गॉड की कई संगीत वीडियो में भी अभिनय किया और इसका निर्देशन अभिनेता जंग वो सुंग ने किया था ट्वेंटी थ्री में जो ने तीन रोमांटिक फिल्मों में अभिनय किया विशेष रूप से कवाक जे यूंग द क्लासिक सोन ये जिन और चो सैंग वो के साथ 24, उन्होंने हाजी बोन और साथ हैपनोड इन बाली में टेलीविजन पर वापसी की समथिंग हैपनोड एक बड़ी सफलता थी इसका अंतिम एपिसोड उनचालीस से थ्री नाइन सेवन की तक पहुंच गया जो उन्हें बागसोंग क्लब पुरस्कार और एस बी एस के ड्रामा पुरस्कार दोनों में अभिनेता का पुरस्कार जीता ट्वेंटी फाइव उन्होंने गोहून के साथ उनकी कम ड्रामा सिप्रंग में अभिनय जो जापानी ड्रामा हेवं क्राइन का रीमेक था जो ने अपनी अगली दो फिल्म पेशन निर्देशन यू हा के साथ शो किए ट्वेंटी सिक्स ए डॉटी कॉर्निवर्स जिसमें उन्होंने एक करिश्माई छोटे समय के गैंगस्टर की, की भूमिका निभाई जो एक खुशहाल जीवन चाहता है और ट्वेंटी एट ए प्रोजन फ्लावर एक गोरियो की पीरियड फिल्म जहां उनकी शाही अंगरक्षक चतित राजा और रानी के बीच प्रेम त्रिकोण में फंस गए सेवन अप्रैल ट्वेंटी नाइन को जो को दो साल की अनिवार्य सैन्य के लिए सूचीबद्ध किया गया कथित तौर पर वह अपने पिता नक से कदम पर चलने के लिए वायुसेना में शामिल होना चाहती थी जो एक गैर कमीशन अधिकारी के रूप में कार्यरत थे उन्होंने वायुसेना और वायुसेना बैंड में 25 महीने सेवा की और फोर मई ट्वेंटी इलेवन में को उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया प्रतिभा एजेंसी की सीडू से चक्कीियों के साथ अपने अनुबंध की सम्प्री पर जो मार्च ट्वेंटी वन टू में आईओ आई की कंपनी में शामिल हुए ट्वेंटी थ्री में उन्होंने उन्होंने मेहलो ड्रामा दैट विंटर ऑफ विडोज में संग हो क्यू के साथ अभिनय किया जो जापानी नाटक फॉरगेट लव आ ईरानी जो कि रिमे के नत्सु, नाटक अपने अधिकांश समय के दौरान अपने टाइम स्लॉट में नंबर एक स्थान पर आ और जो और सन को उनकी प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली एक साल बाद जो एस बी एस की मेडिकल मेलोड्रामा इटस ओ के okay, डैट लॉस में गोंग हो जीन के साथ डेट विंटर के टेली टेली प्ले लेखक और निर्देशन के साथ फिर से जुड़ गया जो ने डांग ग्रैंड पुरस्कार जीता जो एपीए ने स्टार आवर्स में टेलीविजन का शौर्य सम्मान है जो को जोई जीव के साथ राष्ट्रीय कर सेवा की राजदूत के रूप में चुना गया था ट्वेंटी सेवन में जो ने क्राइम थ्रिलर द किंग में जंग साथ के साथ अभिनय किया जिसका निर्देशन द फेर्स रीडर के निर्देशन हान जे रीम ने किया था ट्वेंटी में उन्होंने ऐतिहासिक फिल्म गार्ड बैटल में अभिनय किया ट्वेंटी वन में जो ने सी एफ मॉडल के लिए सौतीस तो पुरुष नौ सीखिया का खिताब अर्जित किया ट्वेंटी टू में जो को पुरुष मशहूर हस्तियों में वह सेलिब्रिटी जिसके इस साल सी एफ में सबसे अधिक दिखाई देने की संभावना के रूप में प्रथम स्थान दिया ट्वेंटी फोर को उन्होंने कहा हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुरियाई मूवी के बारे में तो दोस्तों अगर आप सम गर्ल्स मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहती हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा सम गर्ल्स की कुरियाई आर आर मिल्सू ए ट्वेंटी दक्षिण कोरियाई एक्शन क्राइम फिल्म जो रयू वान की तरह निर्देशित है किम जियो जून के साथ फिल्म का लेखन किया फिल्म किम हम किम जंग आ जो इन सुंग पर जियम मीन किम जोंग सु और गो मीन सी है सम गर्ल्स को ट्वेंटी सिक्स जुलाई ट्वेंटी थ्री को नाटकी रूप से रिलीज किया गया था जब गुच्चियोन के शांतिपूर्ण समुद्र तटी शहर में एक रसायनी की संयंत्र का निर्माण किया गया तो ने, ने रातों रात अपनी नौकरी खो दी चुन किम वो एक लड़ाकू है जो आजीविका कमाने का रास्ता तलाश रहा है ऐसा कहा जाता है कि समुद्र में फेंकी गई किसी वस्तु को उठाकर आप खूब पैसे कमा सकते हैं वह तस्करी की दुनिया के बारे में जानती है और और हेनेया के नेता ने जिन सुख यमजंग के सामने एक ऑप्शन प्रस्ताव रखती है जिसने यह जानती हुई भी, भी कि यह खतरनाक है जीविका कमाने का साहसिक निर्णय लिया जैसे उसकी मुलाकात राष्ट्रीय तस्करी के राजा सौरज जो इन सोंग से होती है उसे तस्करी से प्यार हो जाता है फिर एक दिन जीवन में एक बार भाग्य बनाने का अवसर आता है मुख्य फोटोग्राफी 5 जून 21 को शुरू हुई फिल्म को आधिकारिकी तौर पर 23 थ्री की इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिटल में विशेष प्रस्तुति अनुभाग में आमंत्रित किया गया था जो लोखंडों की इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिटल के बाद सेवन से वन सेवन सेवेंटी सितंबर से तक आयोजित किया गया था यह फिल्म ट्वेंटी सिक्स जुलाई ट्वेंटी थ्री को दक्षिण कोरियाई में रिलीज हुई थी उर्धाटन में थ्री वन एट एट फोर प्रवेश दर्ज किए गए और दो सप्ताह तक दक्षिण कोरियाई बॉक्स ऑफिस पर सेंस पर रहा फिल्म ने अपनी रिलीज के चौदह दिन एक मिलियन प्रवेश पर प्रवेश का आंकड़ा पार कर लिया और रिलीज की वन सेवन स्वेंट सेवेंटी वे दिन पर फोर मिलियन से अधिक हो गई द राउंड ऑफ नोवे वे आउट के बाद सम्वेंटी थ्री में ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने वाली दूसरी फिल्म बन गई और दू के लिए ही किम हाई सू के लिए ही दोनों की किम ने अपने करियर की शुरुआत उन्नीस से पचासी में नेस्लो मिलो की वो मिलो की एक विज्ञापन से की थी उन्होंने फिल्म कॉम्बो उन्नीस सौ छियासी में एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत की जिसके लिए उन्हें ही उन्नीस सेवेंटी की बैक सॉन्ग ऑटर्स अवार्डस में सौतीस नई अभिनेत्री के रूप में पहली बार प्रशंसा मिली वह फर्स्ट लॉ उन्नीस सौ में सौतीस आग्रणी अभिनेत्री के लिए ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार की सबसे कम उम्र की विजेता थी उनकी सबसे व्यावसायिक रूप से सफल भूमिका अपराध फिल्म ताज़ा द हाई रोज ट्वेंटी सिक्स में मैडम की थी जिसने साउथ तीर्ष अभिनेता लिए उनका तीसरा ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार भी किम हये का जन्म 5 सितंबर 1970 को डोगने जिले की बुसान में हुआ था वह पांच बच्चों में से दूसरे थे जब वह अपने पिता के काम के कारण बुसान नेशनल एलिमेंट्री स्कूल में तीसरी कक्षा में थी तब वह सियोल मिल एलिमेंट्री स्कूल चली गई प्राथमिक विद्यालय में रहती हुई वह राष्ट्रीय टाइकोड़ो बच्चों की प्रदर्शन टीम की सदस्य थी और अप्रैल उन्नीस सौ में अंतर्राष्ट्रीय पिंग की समिति आई ओ सी के सातवें अक्षर की जुआन एंटोनियो समझ को गुलदस्ता भेंट करने वाली फूल लड़ती थी उन्हें से पचासी में कीम ने नेस्लो मिलो के विज्ञापन और साथ ही पहले के पॉप संगीत वीडियो जो युग पेल के एम एम्पटी इन द एयर में अभिनय किया उन्नीस सौ छियासी में जब किम हाई स्कूल की प्रथम वर्ष की छात्र थी तब उन्होंने कॉम्बो से अपनी फिल्म की शुरुआत की उन्होंने तेईसवी बैग सॉन्ग कला पुरस्कारों में कॉम्बो के लिए सौतीस नई अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता किम ने टेलीविजन की अपनी छवि के साथ मुंद्रित पेंसिल ब्रोडो की लोकप्रियता के कारण किम को उन्नीस सौ अस्सी का पेंसिल ब्रॉड स्टार कहे जाते हैं उन्हें उनकी समकालीन कीम ही सन और सीम यून हा के साथ अपनी उनकी राष्ट्रवाई परिषदी के लिए कोरियाई में उन्नीस सौ नब्बे के दर्ज की, की ट्रिका का हिस्सा भी नमित किया गया उन्नीस सौ इक्यानवे में क्रीम फिल्म फर्स्ट लॉ में मुख्य भूमिका निभाई और आदर्श महसूस लड़की के किरदार के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की सौंतीस अग्रणी अभिनेत्री के लिए ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार जीता और उन्हें नेशनल के फर्स्ट लॉ का खिताब मिला हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अस पड़े दो दशकों में उन्होंने प्रमुख और सहायक भूमिका की एक बड़ी फिल्मोग्राफी एक तरह की विशेष रूप से टेलीविजन श्रृंखला डी वी रियली लॉ में बे युग जून के साथ और आजे वो के साथ रिवेज एंड पैसन साथ ही फिल्म टाई ए युदीब उन्नीस सौ अन्ठानवे टू सौ की दस में किम ने टेलीविज़न की बजाय फिल्म में अपने करियर पर ध्यान अधिक ध्यान केंद्रित किया जिसमें किक द मून वाई एम सी ए बेसबॉल टीम और थ्री में अभिनय किया। इस समय उन्होंने हिप्रोटाइल्स की 2004 में एक गैलेमरस और आत्मविश्वास से भारी महिला के रूप में अपनी छवि को फिर से स्थापित किया द रेड ट्वेंटी फाइव और टेजा द हाई रोल्स ट्वेंटी तो सिक्स में गम की भूमिका उनकी सबसे अधिक पहचानी गई और उन्हें कोरियाई फिल्म ए सूची के उच्चतम रैंक में पहुंचा दिए इसके बाद विभिन्न फिल्में मुखियों भूमिकाएं निभाई गई।, गई गई जैसे कि एक गुडे टू हैंड एन अफेयर में एक गृहिणी एक कॉलेज छात्रा के साथ गुप्त रूप से ट्रेडिंग करती थी सिम के परिवार में एक नाखुश चाची एलिवेथ मॉम में एक विषया और मॉडर्न बाय 2008 में एक बार गायिका व ट्वेंटी टेन की विलेन और वीडियो में सुक्यू के साथ अपने सहयोग को अपने अभिनय करियर के मुख्य ऑक्शन में से एक मानती है ट्वेंटी नौ में किम स्टाइल के साथ टेलीविजन पर लौटी जो फैक्शन उद्योग पर आधारित था इसके बाद उन्होंने ट्वेंटी टेन में मिस्ट्री मेलोड्रामा होम स्वीट होम में काम किया फिल्म पुरस्कार समारोह और टीवी वी विविधा के शो के लिए लगातार मेजबान किम ट्वेंटी वन फाइव में एम बी सी क्रॉन अफेयर शो डब्ल्यू के मेज़बान बने किम एक उत्साही उस्ताही चित्र प्रशंसा के काय प्रशंसा को कार्यक्रम के लिए एकदम सही माना गया क्योंकि इसने अपना ध्यान और आदेश स्थानांतरित कर दिया पायरे वरन और वैतरिक मुक्षियों के लिए डब्ल्यू वीर किम हाई सो का प्रीमियर जुलाई जुलाई 2010 में हुआ लेकिन अक्टूबर 2010 में 2010 में, 2010 में रश कर दिया क्योंकि किम नेटवर्क के फैसले की आलोचना की, की, की और 22 में वही किंग के लिए ही यंग जंग आ के लिए ही दोनों की समीक्षकों की यंग जंग आ ने 30 दिसंबर 26 को डॉक्टर है ओ एल से शादी की उनकी टू बच्चे हैं और जो इन के लिए ही दोनों की फिल्म में उन्हें द दी ए डॉटी कॉर्निवल ए प्रोफ्रोजन क्लावर फ्लावर द किंग द ग्रेट बैटल ए एस कैप क्रॉम मोग द में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है उन्होंने रियलिटी शो एन एक्सपेक्टैड बिजनेस की भी मेज़बानी की उनका नाम वर्तमान में आधिकारिक तौर पर जो इन उन्होंने जू एन सुंग और कभी कभी जो इन सुंग के रूप में रोमना रोमनाकृत किया गया जो एनसुंग का जन्म और पालन पोषण गैडोंग जिले सियोल में हुआ था जोनो जूनो की चुनम टैक्नो यूनिवर्सिटी में मॉडलिंग और इवेंट मैनेजमेंट का आध्न किया बाद में उन्होंने डोंगुंग की विद्यालय में थिएटर और फिल्म प्रमुख के रूप में दाखिल किया लेकिन कक्षा में आय उपिष्ट के कारण ट्वेंटी सेवन में उन्हें निष्कासित कर दिया गया जो ने अपने मनोरंजन करियर की शुरुआत उन्हें सौ अंठानवे में कपड़ों की ब्रांड जी यू जी के लिए मोड जी जियो के लिए ही ब्रांड मॉडल के रूप में की थी उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत उन्नीस सौ निन्यानवे में एम बी सी कॉम जॉब के माध्यम से की और ट्वेंटी में किशोर नाटक स्कूल थ्री और सीट कॉम नॉन स्टॉप के दूसरे सीजन में अभिनय किया जो ने पहली बार ट्वेंटी वन के टेलीविज़न नाटक पियानो में सहायक सहायक भूमिका के साथ ध्यान आकर्षित किया जिसमें गोसु और किम हान ने कलाकार थे इसके बाद उन्हें ट्वेंटी टू में से रूट फॉर दियोन डो योन के साथ एक अनपढ़ अभिनेता के रूप में उनकी पहले ड्रामा प्रमुख भूमिका के लिए चुना गया उसी वर्ष उन्होंने फिल्म पब्लिक टॉयलेट से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की उन्होंने उस समय के साथ ही सीडू सा एग यू कलाकार लोकप्रिय बाय बैडगोड की कई संगीत वीडियो में भी अभिनय किया और इसका निर्देशन अभिनेता जंग वो सुंग ने किया था ट्वेंटी थ्री में जो ने तीन रोमांटिक फिल्मों में अभिनय किया विशेष रूप से कवाक जे यूंग द क्लासिक सोन ये जिन और जो सैंग वो के साथ ट्वेंटी फोर उन्होंने हाजी बोन और सोजी सब के साथ मेलो ड्रामा शर्म हैपनोड इन बाली में टेलीविजन पर वापसी की समथिंग हैपनर एक बड़ी सफलता थी इसका अंतिम एपिसोड उनचालीस से थ्री नाइन सेवन की सॉरी रेटिंग तक पहुंच गया जो ने बागसोंग कला पुरस्कार और एस बी एस के ड्रामा पुरस्कार दोनों में सौतेष्ट अभिनेता का पुरस्कार जीता ट्वेंटी फाइव उन्होंने गोहून जंग के साथ उनकी कम ड्रामा सिप्रंग डे में अभिनय किया जो जापानी ड्रामा हेवन क्राइन का रीमेक था जो ने अपनी अगली दो फिल्म पीसन निर्देशन यू हा के साथ शुरू की ट्वेंटी सिक्स ए डॉटी कॉर्निव जिसमें उन्होंने एक करिश्माई छोटे समय के गैंगस्टर की, की भूमिका निभाई जो एक खुशहाल जीवन चाहते और ट्वेंटी एट एन फ्लावर ए गोरियो की पीरियड जहां उनकी शाही अंगरक्षक चतित राजा और रानी के बीच प्रेम त्रिकोण में फंस गए सेवन अप्रैल ट्वेंटी नाइन को जो को दो साल की अनिवार्य सैन्य के लिए सूचीबद्ध किया गया कथित तौर पर वह अपने पिता नक से कदम पर चलने के लिए वायुसेना में शामिल होना चाहती थी जो एक गैर कमीशन अधिकारी के रूप में कार्यरत थे उन्होंने वायुसेना और वायुसेना बैंड में 25 महीने सिवा की और फोर मई ट्वेंटी इलेवन में को उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया प्रतिभा एजेंसी की सीडू से चक्की के साथ अपने अनुबंध की संप्रित पर जो मार्च ट्वेंटी वन टू में आई को आईओ की कंपनी में शामिल हुए ट्वेंटी थ्री में उन्होंने उन्होंने मेलोड्रामा ड्रामा दैट विंट डॉ विडोज में संग हो क्यू के साथ अभिनय किया जो जापानी नाटक फॉरगेट लव आ ईरानी जो की रिमे के नत्सु, नाटक अपने अधिकांश समय के दौरान अपने टाइम स्लॉट में नंबर एक स्थान पर आ और जो और सन को उनकी प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली एक साल बाद जो एस बी एस की मेडिकल मेलोड्रामा इटस ओ के डैट लॉस में गोंग हो जीन के साथ डेट विंटर के टेली टेली प्ले लेखक और निर्देशन के साथ फिर से जुड़ गया जो ने डांग ग्रैंड पुरस्कार जीता जो एपीए ने स्टार आवर्स में टेलीविजन का शौर्य सम्मान है जो को जोई जीवू के साथ राष्ट्रीय सेवा की राजदूत के रूप में चुना गया था ट्वेंटी सेवन में जो ने क्राइम थ्रिलर द किंग में जंग बू के साथ अभिनय किया जिसका निर्देशन द फेर्स रीडर के निर्देशन हान जे रीम ने किया था ट्वेंटी में उन्होंने ऐतिहासिक फिल्म गाइड बैटल में अभिनय किया ट्वेंटी वन में जो ने सी एफ मॉडल के लिए सौतीस तो पुरुष नौ सीखिया का खिताब अर्जित किया ट्वेंटी टू में जो पुरुष मशहूर हस्तियों में वह सेलिब्रिटी जिसके इस साल सी एफ में सबसे अधिक दिखाई देने की संभावना के रूप में प्रथम स्थान दिया ट्वेंटी फोर को उन्होंने कहा हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुरियाई मूवी के बारे में तो दोस्तों अगर आप सम गर्ल्स मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा सम गर्ल्स की कुरियाई आर आर मिल्सू एक ट्वेंटी दक्षिण कोरियाई एक्शन क्राइम फिल्म जो रयू संग वन की तरह निर्देशित है किम जून यूं के साथ फिल्म का लेखन के फिल्म किम हम किम जंग आ जो इन सुग पर जियम में किम जुंग सु और गो मीन सी हैं सम गर्ल्स को ट्वेंटी सिक्स जुलाई ट्वेंटी थ्री को के रूप से रिलीज किया गया था जब गुचियोन के शांतिपूर्ण समुद्र तटी शहर में एक रसायनी की संयंत्र का निर्माण किया गया तो हिनेो ने, ने रातों रात अपनी नौकरी खो दी चुन किम वो सूख एक लड़ाकू है जो आजीविका कमाने का रास्ता तलाश रहा है ऐसा कहा जाता है कि समुद्र में फेंकी गई किसी वस्तु को उठाकर आप खूब पैसे कमा सकते हैं वह तस्करी की दुनिया के बारे में जानती है और और हेनेया के नेता ने जिन सुख यमजंग के सामने एक ऑप्शन प्रस्ताव रखती है जिसने यह जानती हुई भी, भी कि यह खतरनाक है जीविका कमाने का साहसिक निर्णय लिया जैसे उसकी मुलाकात राष्ट्रीय तस्करी के राजा जो इन सुंग से होती है उसे तस्करी से प्यार हो जाता है फिर एक दिन जीवन में एक बार भाग्य बनाने का अवसर आता है मुख्य फोटोग्राफी 5 जून 21 को शुरू हुई फिल्म को आधिकारिक तौर पर 23 थ्री टोरटो की इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिटल में विशेष प्रस्तुति अनुभाग में आमंत्रित किया गया था जो लोखंडों की इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिटल के बाद सेवन से वन सेवन सेवेंटी सितंबर से तक आयोजित किया गया था यह फिल्म 26 जुलाई 23 को दक्षिण कोरियाई में रिलीज हुई थी उर्धाटा में थ्री वन एट एट फोर प्रवेश दर्ज किए गए और दो सप्ताह तक दक्षिण कोरियाई बॉक्स ऑफिस पर सेंस पर रहा फिल्म ने अपनी रिलीज के चौदह दिन एक मिलियन प्रवेश पर प्रवेश का आंकड़ा पार कर लिया और रिलीज की वन सेवन दिन पर फोर मिलियन से अधिक हो गई द राउंड ऑफ नोवे वे आउट के बाद सम्लस ट्वेंटी थ्री में ब्रेक इवन पाइन तक पहुंचने वाली दूसरी फिल्म बन गई और दू के लिए ही, किम हाई सु के लिए ही दोनों की किम ने अपने करियर की शुरुआत उन्नीस से पचासी में नेस्लो मिलो की नेस्नो मिलू की एक विज्ञापन से की थी उन्होंने फिल्म कॉम्बो उन्नीस सौ छियासी में एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत की जिसके लिए उन्हें ही उन्नीस सेवेंटी के बैक सॉन्ग ऑटर्स अवार्डस में सौतीस नई अभिनेत्री के रूप में पहली बार प्रशंसा मिली वह फर्स्ट लॉ उन्नीस सौ में सौतीस आग्रनी अभिनेत्री लिए ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार की सबसे कम उम्र की विजेता थी उनकी सबसे व्यासायिक रूप से सफल भूमिका अपराध फिल्म ताज़ा द हाई रोज ट्वेंटी सिक्स में मैडम जिये जिसने साउथ तीस अभिनेता लिए उनका तीसरा ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार भी किम हय का जन्म 5 सितंबर 1970 को डोगनी जिले की भूसान में हुआ था वह पांच बच्चों में से दूसरे थे जब वह अपने पिता के काम के कारण भूसान नेशनल एलिमेंट्री स्कूल में तीसरी कक्षा में थी तब वह सियोल में लोग एलिमेंट्री स्कूल चली गई प्राथमिक के विद्यालय में रहती हुई वह राष्ट्रीय टाइकोड़ो बच्चों की प्रदर्शन टीम की सदस्य थी और अप्रैल उन्नीस सौ में अंतरराष्ट्रीय पिंग की समिति आईओसी के सातवें अक्षर की जुआन एंटोनियो समरज को गुलदस्ता भेंट करने वाली फूल लड़ती थी उन्हें से पचासी में इक्कीम ने